दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण और मेरे साथ आज है सुखदेव चौधरी। मैंने कहा था ना कि टीम के सारे प्लेयर्स को मेरे साथ खड़े करूंगा। आप एक बहुत अच्छी टीम के एक बिल्कुल मजबूत पिलर हैं, आप सुखदेव हैं। आज मैं सुखदेव सर दोनों मिलके रोटेशनल मोशन फर्स्ट कोर करेंगे। रोटेशनल मोशन के हमने दो लिए वीडियो, फर्स्ट और सेकेंड। जैसा आपको जाना, आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर का हमारा शूटिंग जो हो रहा है ये रोटेशनल मोशन फर्स्ट के लिए हो रहा है। ठीक है डियर, तो बात शुरू करें, तैयार है सब लोग? हाँ सर, आ जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया अगले ने कि इन बाइसिकल का रेडियस ऑफ रियर व्हील इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील इफ एफ आर एफ आर आर द रेडियस वी एफ वी आर स्पीड्स ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील देन। ये तो फिजिक्स लगाओ ना इसमें, देखो सुखदेव सर, तब तो बड़ी अजीब सी कहानी है। अगला साहब कहता है साइकिल के पिछला पहिया अगले पहिए की त्रिज्या इतनी है। मुझे इतना ही पता है कि एक साइकिल के दोनों पहियों का रेखे भी अलग अलग नहीं हो सकता। अभी बस है भाई, बस में जितने सिस्टम है ना, आगे के टायर पीछे के टायर बस में बैठे यात्री, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है नहीं हो सकती। सीधा फंडा है दोस्तों, Vf इक्वल टू Vr। बोलो हाँ ना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहां मैं एक चीज आपसे कहना चाहूँ, पेज खाली करें, यहां मैं एक बात अब कहना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप देखो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, यदि मैं इसको ऐसे घूर्णन गति कराऊं, ध्यान देना क्लास, मेरा पूरा हाथ है, या आप पंखे की ताड़ी मान लो, तो मैं इस अक्ष के प्रति ये मान लो कि पंखे की पंखुड़ी है और ये से पूरा चक्कर लगा रही है, सुखदेव सर इस अक्ष के प्रति, ये सेंटर में से कर लो, इस अक्ष के प्रति हो गई। अब आप देखो, ये भी एक गोला चक्कर पूरा लगाएगा, ये कण भी पूरा चक्कर लगाएगा, ये कण भी पूरा चक्कर लगाएगा। देखो एक ध्यान देना, ये मेरा पूरा हाथ है ना, वो एक साथ चक्कर लगाएगा, तो मेरे पूरे हाथ के सभी पार्टिकल्स का उमेगा क्या होगा? सेम। थोड़ी सी बात और कर ले, उमेगा क्या है दोस्तों, आप जानते हो v इक्वल टू s बाई t होता है, वैसे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई t होता है। वो लीनियर है, ये एंगुलर है, वो रेखीय है, ये घूर्णन है। अब एक बात ध्यान सुनना, देखिए मैंने क्या कहा, मैं कलर चेंज करता हूं सुखदेव सर, कि ये कण भी एक गोला चक्कर लगाएगा, ये भी चक्कर लगाएगा, लेकिन सारे के सारे कण एक साथ यहां आएंगे, तो सबको ओमेगा क्या है? सेम है। लेकिन आप चक्कर देखो, ये कण धीरे रेखीय गति करेगा, ये तेज रेखीय वेग, लीनियर स्पीड, वेलोसिटी बोलते की बात है, सबकी अलग अलग है। और डियर उसका फॉर्मूला अपना बड़ा सुंदर सा, v इक्वल टू r ओमेगा। r हमेशा कहां से मेजर करते हो? उस अक्ष से, जिस अक्ष के प्रति ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। ध्यान देना भाई, इस टॉपिक घूर्णन गति में रोटेशनल मोशन में एक ही काम की चीज है, घूर्णन अक्ष, रोटेशनल अक्ष, जिस अक्ष के प्रति पूरी दुकान चलती है। तो यहां से मेजर करोगे तो ये देखो r, ये को दूसरा r है, तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, देख डियर, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो वैसे वैसे वी आपका बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पे वी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां थोड़ी सी बात और कर ले, देख ये पार्टिकल, मेरी बात सुना पुत्र, ये पार्टिकल यहां से यहां आया, ध्यान देना, ये पार्टिकल यहां से यहां आया, दोनों पार्टिकल का ये यहां से आया, तीनों पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, पर रेखीय विस्थापन है अलग अलग है, रेखीय विस्थापन अलग अलग है, रेखीय वेग अलग अलग है, रेखीय त्वरण अलग अलग है, कोणीय विस्थापन सेम है, कोणीय वेग सेम है, कोणीय त्वरण सेम है, यानी लीनियर डेटा तो सेम है और एंगुलर डेटा चेंज होते हैं। और दोस्तों इस जगह एंगुलर डेटा क्या होता है? जीरो, सॉरी लीनियर डेटा, रेखीय चीज क्या है? जीरो। और जैसे जैसे आगे जाओगे, इस पार्टिकल का देखो, इसका ये इतनी दूरी चला, इतना दूरी चला, लेकिन एंगल तो 90 है, तो एंगल सेम, ओमेगा सेम, और एक बात इसको पढ़ा सकते, थीटा सेम, ओमेगा सेम, अल्फा सेम, बट एस अलग अलग, वी अलग अलग, और ए अलग अलग, ध्यान देना भाई, ये फिक्स है भाई। एस वी ए इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेखीय गति को, लीनियर मोशन को, थीटा ओमेगा अल्फा किसको करेंगे? एंगुलर को। तो अब तो खुद देख, मेरा एक डायलॉग बनता है इसमें कि जब कोई वस्तु रोटेशनल मोशन करती है, जैसे मैंने बताया एग्जांपल, फिर जो मेरे हाथ को, मेरा पूरा हाथ एक साथ यहां आएगा, तो डियर सभी पार्टिकल्स का एंगुलर डेटा तो सेम है, वो चाहे कोणीय वेग हो, चाहे कोणीय विस्थापन हो, चाहे कोणीय त्वरण हो, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण अलग अलग है, केंद्र पे वो जीरो है, और केंद्र से परिधि की ओर किस पे जाओगे? सर्कमफेरेंस की ओर, तो बढ़ता है, सेंटर पे जीरो है और सर्कमफेरेंस पे अधिकतम है। मतलब अपन ये बात बोल सकते हैं कि ये चीजें तो सब जगह सेम रहेगी, yes. और ये चीजें वो आर के रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनके संबंध हम सब जानते हैं,
अब इस पेज को खाली करके संबंध अपन निकाल दें दोबारा से, तो अपन जानते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां मूव करता है, सपोज कर थीटा एंगल घूम जाता है, तो इधर जो एस है वहां वो थीटा है। अब तू जानता है कि ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई टी की बात है, डी थीटा बाई टी थीटा बाई, और अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा बाई, सेम है। ऐ बच्चे ध्यान देना, रेखीय और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब एक बात और देखना इसके अंदर, ये आपने जो बात की संबंध भी आपका संबंध होता है, तो संबंध कैसे है, तू खुद कहता देख तेरे लिए कर दूं, ओमेगा इक्वल टू क्या है, थीटा बाई टी, ठीक है डीएन, तेरे सामने एस इक्वल टू वी इक्वल टू क्या है, वी इक्वल टू क्या है, एस बाई टी। तो ये सेम चीज है, एस था वहां थीटा आ गया, वी था वहां ओमेगा आ गया, तो इन सारी चीजों के बीच रिश्ते बन जाते हैं। तो अपन एक बात उसको, एस जहां एस होगा वहां थीटा आएगा, जहां वी होगा वहां ओमेगा आएगा, जहां ए होगा वहां अल्फा आएगा, यहां एफ है तो यहां टॉर्क आ जाएगा, यहां एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो दोस्तों यहां एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आज नई बात आई, यहां जो काम मास करता है, इधर वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाकर्षण करता है। थोड़ी बात और पूर्व ग्रुप उत्तर, जहां पी होता है या जे होता है, P इक्वल टू तू जानता क्या होता है, एम वी होता है, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। ले बात को थोड़ा और करते लिए मैं, F इक्वल टू क्या होता है पुत्र, dP by dt, तो जहां F है वहां तू क्या कर दे, टो कर दे, और ये तेरा क्या हो जाएगा, dG by dt हो जाएगा। भूल गया क्या रहा है, F इक्वल टू जीरो है तो dP इक्वल टू जीरो होगा, और टो इक्वल टू जीरो है तो dG इक्वल टू, एल बोल दे, जे बोल दे, यानी बाह्य बल जीरो है तो संवेग संरक्षण है, और बाह्य बलागुण जीरो है तो कोणीय संवेग संरक्षण है, एफ जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, टो जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो है। लगभग हमने सारी बात कर ली लपेट ली इसके अंदर, ठीक है डियर, ये आपकी एक चीज थी। चलो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता देता हूं, यह साइकिल का टायर है पुत्र, ऐसे घूम रहा है, पूरी बात यही कर लेते हैं, तो साइकिल का टायर घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो साइकिल के टायर भी, फिर मैं ये दो चीजों को अलग अलग करके और लास्ट में ऐसे एक साथ जोड़ता हूं। ये साइकिल का टायर मान ले कि चल रहा है, चल सुनो, मैं चलूंगा ना तो मेरा यहां का वेग भी, मेरा यहां का वेग भी, मेरे पूरी बॉडी का वेग सब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि पांव ज्यादा आगे जा रहा है फिर पीछे आएगा, तो लड़के ये भी भी, ये भी और ये भी, मतलब स्थानांतरण गति, यस दिस इज, इसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमने से एक पार्ट ले लिया स्थानांतरण, हर पार्टिकल वेग सेंटर ऑफ मास के वेग के बराबर होगा। अब आगे चल, अब ये इधर तो किस वेग से जा रहा है, वी वेग से, और ये घूमेगा ना से, इधर किस वेग से जा रहा है, वी वेग से, और यहां भी क्या है, जीरो, और यहां भी क्या है, यहां नीचे की ओर भी, नीचे की तरफ भी हो जाएगा। अब बस कलर चेंज कर ले सुंदरता के लिए यार, तो पुत्र तो यहां वी और वी क्या हो गया, टू वी हो जाएगा, टू वी, देख पुत्र यहां ये वी इधर है, ये वी नीचे की ओर है, तो ये तेरा क्या हो गया, रूट टू वी, और यहां तेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरे हिसाब से इस क्लास का श्रेष्ठ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, जब टायर घूमता है तो चलता भी है और घूमता भी है, तो मैंने घूमने को चलने को अलग कर लिया, घूमने को अलग कर लिया, फिर दोनों को अपन ने किसी भी पार्टिकल का अगर परिणामी वेग ज्ञात करें तो स्थानांतरण गति और घूर्णन गति, इसको अपन कहेंगे ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी इसको कहेंगे रोटेटरी, रोटेटरी, और ये ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी को मिक्स कर दिया, बोल हां ना, रोलिंग बोल देंगे इसको, रोलिंग बोल देंगे, यस यस, रोलिंग प्रॉपर तेरी बात मान लेते हैं, रोलिंग को संभाल लेते हैं, ठीक है बेटा, चल अब आ जा क्वेश्चन पे, आ जा भाई सेकंड पे, आ जा फर्स्ट हो गया, आ जाओ, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही है, एक पहिया जमीन के अनुदिश 2 मीटर पर सेकंड में लुढ़क रहा है, तेरी भाषा मार रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, तो पहिए के क्षितिज व्यास हॉरिजॉन्टल डायमीटर के सापेक्ष बिंदु का वेग रूट टू हो गया, छोड़ना यार ले, टू रूट टू भाई पहले पढ़ा दिया ना, अरे बोले आदमी वही तो है, इसके प्रति पूछा है, इसके प्रति अभी तो बताया भैया क्या होगा, रूट टू भी हो जाएगा, रूट टू भी, मैंने एक बात कही इसमें गुरुनीति में, हमारा भाव ये रहता है कि थ्योरी के साथ हम क्वेश्चन पे अटैक करें, क्योंकि बिना थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं आ सकते, और बिना न्यूमेरिकल के थ्योरी क्लियर नहीं हो सकती, बात नहीं पड़ रही है, तो बातों बातों में आपका क्वेश्चन हो गया, पूरी थ्योरी होगी, और मेरे हिसाब से मेडिकल की लेवल की पक्की पक्के एग्जाम आगे चलो, ये वो प्रश्न है, जैसा रेखीय गति है ना सेम गति एंगुलर में है, देखो पढ़ो क्या कहता है, एक कार का पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट, एक शब्द होता है दोस्तों आरपीएम, राउंड पर मिनट,
तो राउंड पर मिनट कितना है 1200 चक्कर प्रति मिनट। तो भैया प्रति चक्कर किसका भाग देंगे इसमें, 60 का भाग देंगे, तो ये आरपीएस में आ गया। आरपीएस, अब ये आरपीएस की बजाय इसका सुंदर नाम होता सीपीएस, सीपीएस साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड आरपीएम राउंड पर मिनट, सीपीएस क्या हो गया साइकिल पर सेकंड। तो साइकिल पर सेकंड को क्या कह सकते हैं ओमेगा, इसको 2 पाई से या 360 से मल्टीप्लाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चक्कर कितना होता है 2 पाई ओमेगा हो गया। क्या होता है ओमेगा, ले रहे यार ओमेगा होता है थीटा बाय टी, थीटा बाय टी रेडियन पर सेकंड। तो तेरे सामने ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा पुत्र ये हो गया, ए यार ऐसे कर ले, ओमेगा तेरा देखा जाए 40 पाई आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल 40 पाई हो गए। कहने का मतलब ये पुत्र है कि कोई पहिया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब अगर गाड़ी के त्वरक को दबाने पे, आप किसको दबाया एक्सीलेटर दबाया, तो 10 सेकेंड में 4500 चक्कर प्रति मिनट हो गया। देख ध्यान दे, इसको अपन यू कहेंगे, यू तो है 40, यू को मतलब यहां वो ओमेगा, ओमेगा यू समझा रहा हूं वहां वाला वी और यू एक मिटा दिया यू, तो ओमेगा तो क्या हो गया ओमेगा, इसको तो ओमेगा नोट कहता है ओमेगा नोट इनिशियली। अब ओमेगा क्या होगा, ओमेगा देख वही है 4500 फिर किसका भाग दे 60 का, किससे गुणा कर 2 पाई से, भी 60 का भाग क्यों दिया, मिनट पे मात्रक नहीं होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई क्यों है, एक सेकंड कितने का होता है यार, एक चक्र का मतलब क्या होता है 2 पाई, कैंसिल आउट कर दे कितनी बार जाएगा ये देख तेरा 42 कितने बचे 6 5 30 75 तो दोस्तों ओमेगा नोट क्या है 45 ओमेगा कितना हो गया 150। कहने का मतलब ये है डियर कि एक गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो ये इसका पहले प्रारंभिक कोणीय वेग है, ये अंतिम कोणीय वेग है, किसके अंतिम है 10 सेकंड में। तो भैया पेट खाली करना, तो ए लड़के v इक्वल टू u प्लस at मतलब से करो क्या कहेगा सर क्या बोल कर रहे हो, बोले आदमी मैं क्या कर रहा था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी यू ओमेगा नोट वी ओमेगा ए अल्फा, बस पूछा क्या अगले अंतरे से अब तक अल्फा अल्फा पूछा, व्हाट इज अल्फा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अपॉन टी, व्हाट इज ओमेगा 150 पाई बोल पुत्र माइनस 40 पाई 40 पाई अपॉन टी वे टाइम जिसमें घटना घटी, क्वेश्चन आ रहा है वापस 10 सेकंड है वापस खाली पेज इतना 10 सेकंड तो तेरे सामने कितना हो गया अल्फा कितना बा 110 पाई अपॉन 10 अल्फा क्या आ गया तेरा 11 पाई। अब आंसर आ जा, अब आंसर पता लगा ऐसा आंसर ही नहीं है, हाथ पा भूल गए किसी भूल गए भैया वापस आ जा, ये तो रेडियन पर सेकंड है, ए मिटा दो तेरे को मैं इसको ए मिटा दिया, ये अल्फा तो किसके बराबर है अल्फा वाट इज अल्फा 11 पाई, वो तो क्या है रेडियन पर सेकंड है, क्वेश्चन वापस आया एक मिनट पता लगा ऐसा आंसर ही नहीं है, डिग्री में आंसर दे रखा है, आ जा भैया भूल गया क्या, भूल गया क्या 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो जहां पाई लिखा हुआ है वहां 180 डिग्री कर दिया, तो मैं तेरे लिए यही कर उसको मिटा दूं तू कहे तो क्या लिखे पुत्र बता, 11 के क्या पाई क्या लिखे 180 क्या लिखे पाई की जगह 180 डिग्री बस, तो कितना हो गया जहां पाई लिखा हुआ था 2 पाई कितना होता है 360 तो 180 हो गया, तो 18 हो गया, 18 को एक बार किया 18 हो गया, तो कितना हो गया 1980 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन निकालना भैया आंसर आ गया। अब आपको सब आपने डिग्री में चेंज क्यों किया, अरे मेरी इच्छा थोड़ी थी यार आंसर नहीं मिला मेरा आंसर नहीं मिला आगे चला गया, पर मैं डिग्री में चेंज तब तक नहीं करूंगा जब तक आंसर में मैचिंग नहीं हो, क्योंकि मेरा डिग्री का मात्रक है नहीं है, मात्रक कौन होता है गल सुना भैया, जैसे अपने हीट पढ़ते हैं वहां कैलोरी कोई मात्रक नहीं है, मात्रक तो जूल है, यूनिट कैलोरी होती ही नहीं है, फिर भी वो चलता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय पद्धतियां, जैसे कुछ लाइव को देख रहे हो गांव के बच्चे देख रहे हो ना, तो अपने गांव में कहते हैं ना कि गांव से वो गांव कितना पड़ता है, तो गांव में 4 कोस कौन सी पद्धति है, एमकेएस सीजीएस कोस कोई पद्धति नहीं है, फिर भी गांव का आदमी समझ जाता है, इसको बोलते हैं लोकल पद्धति, वैसे फिजिक्स में भी एक लोकल पद्धतियां हैं, जैसे कैलोरी है वो लोकल पद्धति कहता हूं उसको मैं, कोई आज से पूछे कि ऐसा मात्र क्या है हीट का, तो क्या आंसर देगा जूल जूल होगा, आया बात का मजा,
तो कहने का मतलब इस प्रश्न को आप अलग से करोगे तो टेंशन देगा, ये सिंपल रेखीय गति है, रेखीय गति रिप्लेस कर दो कोणीय गति में, इतना फर्क है यार कि वहां जो डेटा थे वो इससे रिप्लेस हो जाते हैं। चले आगे, भाभी आप दोनों आप पहली बार एक साथ खड़े ना, तो थोड़ा सा उनका फिट करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, आप भी करोगे हम भी करेंगे। तो सुखदेव हमारा बहुत ही मजबूत पिलर है हमारा, रोटेशनल के दोनों, रोटेशनल नहीं, रोटेशनल के दोनों SHM के दोनों ग्रेविटेशन, अगले 6 वीडियो में आपके साथ आएंगे, तो 6 वीडियो हम साथ चलेंगे। आगे चले आओ, ये ले पुत्र फिर आ गए। बच्चों आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कहता है, एक पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट, देखो डियर 1200 चक्कर को करो 2π, सीधा फंडा है ठीक है, और मिनट में किसका भाग दो 60, तो ये तेरा क्या है ओमेगा, ठीक है डियर। ये ले कितना वक्त बोला पुत्र, ये आ गया अपने पास में 40π, वही आ गया रेडियन पर सेकंड। यानी सिंपल बात ये है यार कि इस पहिए का कोणीय वेग क्या है, 40π रेडियन पर सेकंड। ए मलाइन कृष्ण इसके लिए कलर चेंज करो तेरे लिए। अब तू बता क्या कह रहा है, वो कहता इतने से मंदन कर दिया, मंदन अल्फा 4 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड उसका है। तो कहता विराम अवस्था में आने से पहले इसके द्वारा पूरे किए गए चक्र की संख्या क्या है। आपको दोस्तों इसका एक्चुअल में थीटा निकालना है, थीटा निकाल के उसमें क्या करेंगे 2π से डिवाइड कर देंगे, तो एक चक्र कितने का होता है 2π का, सीधी सी बात है, पेज खाली कर रहे यार। तो ऐसा करते हैं अपन, एक काम कर अपने उसको ऐसा करते हैं, v² u² 2α θ ए ऐसे v² ओमेगा, इसको मेरे आदों की पड़ी हुई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। हम इसको एडिट नहीं करेंगे, जैसा वीडियो चल रहा है वैसे शूट करते हैं ताकि आपको पता लगे कि कहीं गलतियां कहां होती रहती हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2α। अगला क्या कहता पुत्र, मुझे रेस्ट में लाना इसको, ये क्या करना है 0 ओमेगा नॉट स्क्वायर 2α θ, मुझे इसका क्या निकालना है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन ओके, थीटा इक्वल टू, अच्छा इसको माइनस आएगा पर माइनस तो क्यों, तू जानता रिटार्डेशन है तो अपना माइनस प्लस हो जाएगा, ये कोण अपन तेरा क्या होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2α। ओमेगा नॉट क्या है 40π को तू कैसे 1600π स्क्वायर कर दो बिल्कुल, और नीचे क्या है 2α, अल्फा कितना तेरा 4 4 दे रखा है, देख ये 8 कितना हुआ 200। थीटा इक्वल टू है पुत्र तेरा 200π² तेरे को कितना निकालना है चक्कर निकाल दे कितना 200π² तेरा क्या हुआ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट अगला चक्कर पूछ रहा है तो तू खुद जानता भाई एक चक्कर कितने का होता है 2π का, तो चक्कर निकालने हैं तो आप ऐसा करो 200π² में किसका डिवाइड कर दो 2π से, एक करके पाई से पाई काट दे, इससे ये काट दे 100π चक्कर हो गए, पाई का मान 3.14 मान ले 300 चक्कर हो गए, किसी को आजा किसी क्वेश्चन में क्या है 314 याद है ना भाई, पाई का मान क्या होता है 3.14, तो 100 × 3.14 क्या हो गया 314 चक्कर हो गया। नहीं ये रुकने से पहले इसका मतलब क्या है, अरे पंखा चलता ना यार, स्विच ऑफ करते हैं तो पंखा धीरे 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 बंद नहीं होता क्या, तो ये प्रश्न वही है कि एक पंखा चल रहा है स्विच बंद कर दिया तो रुकने से पहले पंखा कितने चक्कर लगा के रुकेगा, सेम क्वेश्चन है ओके डियर। आगे चलो ये देखो लाडना प्रश्न आ गया अपना, देख मैंने एक बात देखी सुखदेव की, फिजिक्स में 3 डेटा होते हैं फॉर्मूले में, एक को वो कांस्टेंट करता है, एक को वो आपसे बदलवाता है, एक को खुद बदलता है। अगला कहता लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये तो आना जाना पड़ेगा, आगे क्या कहता मुझे नहीं पता, एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, मैं जानता हूं v = r ओमेगा, दिस इज कांस्टेंट, इसका मतलब r ओमेगा = कांस्टेंट है, ओमेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल r से है, क्यों भाई इसमें हमारी चॉइस नहीं है, इसमें चॉइस इस बात की कांस्टेंट किसको करना, किसको करना है इसी से वो क्वेश्चन ना देर का वो देर का। आगे चले पुत्र ये दिया, देखिए रहा यहां अगले ने डेंसिटी इक्वल की होगी पक्का, क्वेश्चन वही होगा समान धातु से बनी है, तो आपको दोस्तों यहां देखो ध्यान देना एक बहुत बड़े पॉइंट आ गया डियर, हम सब जानते हैं कि जड़त्वागुण का फॉर्मूला था I = mR², ये कोई अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष कोई एम द्रव्यमान किसी वेग से घूम रहा है, तो इस अक्ष के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या I = mR², एक बात सुनो रहे, आघूर्ण का मतलब रोटेशनल, घूर्णन का मतलब रोटेशनल,
दुनिया में सारे आघूर्ण सदिश हैं, जड़तु आघूर्ण अधिश है। जितने भी इनर मोमेंट है वो सारे क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। लेकिन वेक्टर भी कौन से, अक्षय वेक्टर। वेक्टर तो है लेकिन दिशा या तो तल के ऊपर की ओर लंबो, तल के नीचे की ओर। लेकिन जड़त्व आघूर्ण क्या है, ठीक है उसको परदिश कहते हैं, टेंसर कहते हैं, बट टेंसर कोई तब नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, अदिश। बट अदिश सदिश परदिश लिखा हुआ हो तो क्या होगा, परदिश टेंसर होगा। तो एक लाइन है मेरी, दुनिया के सारे आघूर्ण सदिश है, जड़त्व आघूर्ण अदिश है। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ध्यान चाहूंगा आपको सबका। यदि यहां अगला कह दे कि दो ये वले हैं, दोनों के मास सेम है, तो आई आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूं क्वेश्चन से। इसी क्वेश्चन में कह दे कि दो वले हैं, त्रिज्या 0.2 और 0.6 है, उनके मास समान है, तो आई आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। बट यहां दोस्तों धातु सेम दे दी, धातु सेम देने का मतलब पुत्र क्या होती है, डेंसिटी सेम होगी, तो आप एम का फॉर्मूला काम नहीं ले सकते। और हम आपको जो पढ़ाएंगे 4 दिन बाद ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो दोस्तों वहां एक सबसे पहली चीज है, मास सेम है अलग आंसर आता है, और डेंसिटी सेम है तो अलग मास आता है। एक बार भैया मैं इस पेज को खाली करो दोस्तों, डी इक्वल टू एम बाई वी, एम इक्वल टू डी मल्टीप्लाई वी, मेरी क्लास की सुंदरतम बात बोल रहा हूं। जबकि मास सेम हो तो फॉर्मूले में मास आएगा, बट कहीं डेंसिटी सेम है, डेंसिटी मतलब पदार्थ की नेचर, दोनों रिंग तांबे की बनी हुई है तो तांबा मतलब सेम पदार्थ, एक पदार्थ की अलग अलग डेंसिटी नहीं हो सकती। तांबा तो 100 किलो ले चाहे 1 क्विंटल ले, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो D इक्वल टू एम इक्वल टू डी वी। अब ये कौन है पुत्र तेरी, डिस्क, डिस्क है, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई मोटाई, एरिया कितना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टी, तो वी रिप्लेस किससे होगा, पाई आर स्क्वायर टी से होगा। आजा अब क्वेश्चन पर आजा भैया। तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अभी पढ़ाया आपको मैंने D इक्वल टू एम वी, सॉरी D इक्वल टू एम बाई वी, तो M इक्वल टू क्या होगा, डी वी आर स्क्वायर। डी तो घनत्व दिया, कोई रो लेता है कि बात है, V क्या होगा पुत्र, पाई आर स्क्वायर टी आर स्क्वायर। अब मेरा वही कॉन्सेप्ट है, जो जो सेम है उसको कॉन्स्टेंट, समान धातु तो इसके पीछे 1-2 नहीं आएगा, पाई के पीछे 1-2 नहीं आएगा, समान मोटाई टी के पीछे 1-2 नहीं आएगा। और मेरी क्लास की बड़ी सुंदर चीज है आई आर बोल के बस नियर, अब 0.2 और 0.6 है तो सीधा कर दू तेरे लिए, I1 upon I2 = 0.2 upon 0.6 का whole 4, 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 का 4 तो 3, 9, 27, 81। एक बार रुके क्लास, देखो ध्यान दो क्लास, इस प्रश्न में अगला मुझसे पूछता कि रेडियस दिए हुए हैं और मास सेम है तो R1/R2 whole square आता है, लेकिन यहां मास की बात नहीं की, अगले ने आपको डेंसिटी सेम दे दी, डेंसिटी का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल सेम दे दिया, और थिकनेस सेम दे दी, और जैसा मेरे साथी ने बताया कि वहां वॉल्यूम जो है वो एरिया मल्टीप्लाई मोटाई आएगा, एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये होता भाई याद रखना पड़ेगा आपको। वलय की बात अगला कर रहा है, दो समान धातु की बना साफ है, देखो तो डिस्क है, देखो दोस्तों यहाँ करेक्शन है भैया, ये वलय नहीं है, डिस्क है, शक्ति है, ये थोड़ा सा स्प्रिंट अभी जानता हूँ, ठीक है कर लोगे, ये कॉमन सेंस की बात, डिस्क है, वलय तो डिस्क है, तो मोटाई ले ली और एरिया ले लिया, क्लियर। तो ये दोस्तों एक कॉमन सा फॉर्मूला था, कॉमन सा प्रश्न था जो आपको हमने करवा दिया, ये बहुत काम आएगा गुरुत्वाकर्षण टोपी धारण का, ठीक है आगे चले। चलो भैया आ जाओ भैया, वो कहता समान मास एम लंबाई एल की 4 पत्ती छड़े वर्ग बनती है, इसके निकाय का केंद्र ओ से गुजरने वाले इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रति, इस अक्ष के प्रति मोमेंट इसे निकालना है, पेज खाली करना। मैं देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये कोई छड़ है, इस अक्ष के प्रति मोमेंट इसे कितना होगा भाई, अब दोस्तों वो हमसे पूछे इस अक्ष के प्रति क्या है, तो इस अक्ष के प्रति क्या है, तो हमारा फॉर्मूला काम आएगा आई इक्वल टू आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर, दिस इज समानांतर थोड़ा समानांतर अक्ष के ऊपर में, बिल्कुल समानांतर अक्ष ऊपर में काम लेनी पड़ेगी। अब बच्चों ध्यान से बैठ जाओ भाई, एक बार तेरा हाथ ऐसे करना सीधा, ये दोस्तों हमारी रोड है, इस अक्ष के प्रति कितना है एम स्क्वायर 12, मुझे इस अक्ष के प्रति निकालना है, तो दोस्तों ये अक्ष इस अक्ष के पैरेलल खड़ा करेंगे प्लस एम डी स्क्वायर जोड़ देंगे पास, थैंक यू। तो तेरे सामने सामने ये जो आई है, ये आई नोट मतलब
सेंट्रोमास के पास होगा, सेंट्रोमास ML square को 12 plus MD, तो ये L ये क्या होगी L by 2, तो दोस्त ये क्या हो गया L square by 4, तो तेरे सामने सामने इसको जोड़ेगा ना तो क्या आएगा ML square by 3, ये तेरे को याद रखना पड़ेगा, सुन ले रहे भैया कि कोई L लंबाई की छड़ है उसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के प्रति ML square by 12 होगा, उसके किनारे से गुजरने वाली जो अक्ष है परपेंडिकुलर वो ML square by 3 होगा। ओके, अब इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन में आ जा, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इस अक्ष के प्रति कितना है, तो एक काम करें पुत्र जरा पेन दे मेरे को, ए इस अक्ष के प्रति कितना है ML square by 12 प्लस क्या जोड़ दे वही ML square by ML by 2 का होल 4 ML square 4 इस अक्ष के प्रति कितना हुआ ML square by 3 इसमें कितना हुआ 3 square by 3 क्यों 3 हुआ, एक बहुत सुंदर चीज है, थैंक यू दो जड़तु आगुण का cos सदिश होता तो जोड़ मोड़ बड़ा होता, ये भगवान का भला क्यों अदिश है, जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्लस पॉइंट ये कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसे जोड़ आराम से कर लो, लफड़ा आ जाता फिर के वेक्टर का, तो इस अक्ष के प्रति कितना है, देखो एक अक्ष मान लो एक बार पेश नहीं करना, इस एक अक्ष के प्रति यहां कितना होगा, तो इस अक्ष के प्रति कितना ML square by 12 ML square by 4 तो कितना बचा ML square by 3, जितना इसके कारण उत्तर इसके कारण उत्तर इसके कारण उत्तर इसके कारण 4 से गुणा कर दे, आ जाए क्वेश्चन में आ जाए भैया, ये ले 4 ML square by 3। यहां बातों बातों में दो बात आ गई कि एम मास की एल लंबाई की छड़ हो तो उसके केंद्र पर कितनी होगी एवरेज, अब एक बात ये कैसे आया ये कैसे, ये काम आ रहा नहीं, ये काम तो 11th में 12th में आपने पूरा पढ़ा है, पूरी साल जहां कोचिंग आप लेते हो वहां साथ ही बोर्ड पे सोल्ड करता है और कॉम्पिटिशन तैयारी आप कर रहे बैठो तो कॉम्पिटिशन में इस तरह की बातें क्लास में नहीं की जाती, लास्ट में फॉर्मूला याद रखना होता है, तो ML square by 12 ML square by 3 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर से कहता हूं ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ताकि हमारा समय बच जाए इसमें, आगे चलो भैया ये देख कितना सुंदर है, इसको करने से पहले पेज खाली करना, ये दोस्तों आपकी रोटेशनल अक्ष है, मास जितना दूर होगा जड़त्वागुण उतना ही ज्यादा उतना ही जड़त्वागुण ज्यादा रहेगा, क्या है जड़त्वागुण जरा बात करें, जड़त्व क्या है जड़त्व आगुण क्या है, सुनो जड़त्व का मतलब मास, जड़त्व आगुण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास द्रव्यमान पे आओ, 5 किलो की वस्तु रखी हुई है तो छोड़ो 5 किलो, एक सुखदेव स्कूटर चल खड़ा है और एक ट्रक खड़ा है, स्कूटर खड़ा है ट्रक खड़ा है, खड़े हैं धक्का मारेगा तो चलने का विरोध करेंगे, तो बता ज्यादा विरोध कौन करेगा ट्रक करेगा, ठीक है स्कूटर ट्रक दोनों खड़े हैं और चलाना चाहो ज्यादा किस में आएगा ट्रक में, क्योंकि मास ज्यादा है तो जड़त्व भी ज्यादा, जड़त्व का मतलब होता है स्थानांतर गति का विरोध, ये अवस्था परिवर्तन का विरोध, अब एक स्कूटर चल के आ रहा है एक ट्रक चल के रोक किस रोक सकता पहले तू स्कूटर तो चलता हुआ स्कूटर रुकना आसान है और खड़ा हुआ स्कूटर चलना आसान है, खड़ा हुआ ट्रक चलना मुश्किल है और चलता हुआ ट्रक रुकना मुश्किल, इसका मतलब एम जितना ज्यादा है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उस उतना विरोध ज्यादा है, ये बात किसमें है रेखीय गति में, सेम कारण घूर्णन गति में है, जितना जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है उसको चलना मुश्किल है रोकना भी मुश्किल है, इसका एग्जांपल दो छोटे बच्चे की साइकिल होती है ना वो जल्दी चलती है लेकिन जैसे छोटा बच्चा पेडल मारना बंद कर दे जल्दी रुक जाती है, बड़ी साइकिल से होती है उसको चलाने में जोर आता है बट आप देखो बड़ी साइकिल को एक बार पेडल मार के छोड़ दो कुछ देर तक वो चलती है, गौर करना छोटे बच्चे पेडल मारते रहते हैं बड़ी साइकिल क्यों कि एक बार पेडल दो बड़ा, और दोस्तों इसी कारण साइकिल के जो टायर होते हैं उनमें ऐसे ताड़ियां लगा के द्रव्यमान को दूर भेजते हैं ताकि आई ज्यादा हो जाए, सारी बात इस पे है, अब क्वेश्चन क्या है क्या कह रहा है, वो कहता लोहे और एल्यूमिनियम का उपयोग करके एक चक्ती बनाई, अब ये कॉमन सेंस की बात है, लोहा भारी है एल्यूमिनियम हल्का है ये अंडरस्टूड है, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है एल्यूमिनियम डेंसिटी कम है, अब वो कहता है कि अधिकतम आई कब होगा, पेज खाली करना, तो अधिकतम आई तो कब होगा डियर, ये अक्ष है इससे जितना दूर मास जाए, तो दोस्तों एल्यूमिनियम को पहले लगा लो तो आयरन ऐसे होगा और यदि आयरन को पहले लगाओगे तो आयरन तो यहां तक आ जाएगा भैया और एल्यूमिनियम बाहर हो जाएगा लेकिन इसमें दूर कौन पहुंचा, एल्यूमिनियम ने पहुंचा है, लोहे को दूर पहुंचा दिया, लोहा पास लोग एल्यूमिनियम दूर नहीं जाएगा थोड़ा सा पास आ जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात आंसर ये हो गया, इसका एग्जांपल दूं 5 किलो की रुई और 5 किलो का लोहा दोनों के आपने ठोस गोले बना लिए
पांच किलो की रुई, पांच किलो का लोहा, दोनों के ठोस गोले बना लो, दोनों घुमा, जोर किस में आएगा? रुई में आएगा, क्योंकि रुई पांच किलो की ज्यादा हो जाएगी तो एम आर स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, आर ज्यादा हो जाएगा, आर ज्यादा, एम तो सेम है, लोहे में आर कम हो जाएगा, सेम बात है। तो क्वेश्चन राजा भाई, इसमें एल्यूमिनियम को पास रखो और लोहे को दूर कर दो, तो लोहा और एल्यूमिनियम की परतें एकांतर क्रम में ना, अंतर्भाग एल्यूमिनियम का बाह्य भाग बिल्कुल सही है, अंतर्भाग लोहे ना लीजिए, सिद्धांत हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम पहले कर लोगे ना तो एल्यूमिनियम हल्का होता है, लोहे को वो काफी दूर कर देगा और जितना दूर कर देगा उतना आई एम आर स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पे, बहुत सोना क्वेश्चन है, आई किस पे डिपेंड नहीं करता है, कोणीय वेग से कोई लेना इसका नहीं है। देखो सुन भी दोस्त, ये डिपेंड दो ही बातों पे करता है, मास पे और अक्ष पे, उस अक्ष पे जिसके सापेक्ष घूर्णन गति, क्योंकि बिना किसी अक्ष के रोटेशनल मोशन हो ही नहीं सकता। तो पुत्र क्या कहता है, अगला साफ साफ कहता है किस किस के प्रति, एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर वेलोसिटी कोई मतलब नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान पे करता है, द्रव्यमान वितरण पे करता है, गुण अक्ष पे, वितरण का मतलब पता है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज बॉडी, बिल्कुल आपके पास लोहा पांच किलो है, बट आपने पांच किलो का गोला बनाया, एक पांच किलो की वले बनाई, है तो पांच ही लेकिन वले बड़ी हो जाती है, रिंग, पांच किलो की रिंग बनाई और पांच किलो का गोला बनाया, तो एम तो सेम है, एक्स भी सेम है, लेकिन अलग अलग फॉर्मूला जाएंगे, रिंग का एम आर स्क्वायर आएगा और गोले का 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा, पूरी कहानी चेंज हो गई, बात कर मारिए। तो डीएन इसमें निर्भर नहीं करता, तो क्यों इसमें निर्भर नहीं करता, इन पे करता, आंसर उल्टा हो गया, ना ना मिलकर हा हो गया है। आगे चलो, फिर देख पुत्र, चार कण, प्रत्येक का मास एम है, एल है, एक नहीं होती एल भुजा है, कोई एल भुजा वाले वर्ग, डायग्राम बनाओ, बच्चे क्या करते हैं सुखदेव आजकल, डायग्राम नहीं बनाते बस लेके बैठे रहते, ए बी सी शीर्ष पे रखे हैं, वर्ग के ए से गुजरने वाले तथा बीडी के समानांतर, ए से गुजरने वाली और इस बीडी के समानांतर, ये कोई अक्ष है, इस अक्ष के प्रति क्या निकालना तेरे को, जड़त्व कोण, तो इसके कारण तो क्या हो गया, जीरो, इसका तो क्या हो गया, जीरो। अब ये डिस्टेंस कितनी है, √2 कहने की बात ही नहीं है, बट ये डिस्टेंस कितनी है, एल बाई √2 जाएगी है, देखा जाए तो इसकी आधी कर देना यार, बिल्कुल भाई जितनी ये है उसकी आधी है, तो √2 एल की आधी क्या होगी, एल बाई √2। तो मैं ऐसे कह दूं, इसके कारण आई आर वन स्क्वायर, एम एम आर वन स्क्वायर, एम आर टू स्क्वायर और एम आर थ्री स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो अपन ऐसा कर ले, एम अपॉन एल बाई √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई टू क्यों, जितना इसके कारण है उतना ही इसके कारण आएगा, प्लस दिस, ये कितना पुत्र है, एम √2L का होल स्क्वायर। अब जरा तू मेरा साथ, देश में ये क्या हुआ, एम एल स्क्वायर बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई टू, दिस इज एम लेकिन इसमें फिजिक्स काम नहीं आ रही, कॉमन सेंस ज्यादा काम आ रहा है आपका, ये वर्ग बना लिया इस अक्ष के प्रति है, यहाँ सर्वाधिक कोण काम आएगा, समानांतर पर में पैरेलल थ्योरम काम आएगी, इसके सापेक्ष है तो ये यू चलेगा, ये एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर, और ये सब जानते हैं डिस्टेंस एल है, ये एल है, तो ये क्या होगी √2L, और इसका क्या नहीं सी बात है, सिंपल फंडा है। चले आगे, आजा भैया आगे, चल फिर बात आ गई, रेडियस ऑफ ग्रेशन, रेडियो ग्रेशन क्या है, गुणन त्रिज्या क्या, पे खाली करना है, गुणन त्रिज्या क्या है दोस्तों, कि माना कि कोई पिंड है इसे, ये इस अक्ष के प्रति घूम रहा है, अब यहां कोई मास m1 है, यहां कोई मास m2 है, यहां कोई मास m3 है, यहां कोई मास m4 है, ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है, तो m i क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे आदमी लगता है पावर की तरह i इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर m3 r3 का स्क्वायर प्लस टेस्ट, तो भाई कब से निकलोगे इसे यार, तो क्या कहता है, इस सारे मास को किसी एक पॉइंट पे मान लेता है, माना कि वो पॉइंट जो है वो इसे के डिस्टेंस पे है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर, सीधी सी बात, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, सीधी सी बात,
तो साफ सीधा खुद कर दो इसको, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इज ग्राइशियन रेडियस, रेडियस ऑफ ग्राइशियन, ये गुणन। कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी का मास कहीं एक जगह सेंट्रलाइज कर लेते हैं, वह डिस्टेंस कहां से, रोटेशनल अक्ष से, उस डिस्टेंस के स्क्वायर को उस बॉडी के कुल मास से मल्टीप्लाई करें तो आई उतना आएगा जितना तो गुणा भाग करके लेके आओगे। अब इसको तू और करे से तो आई एम के स्क्वायर है, ये तरह क्या देख रहे एम आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, तेरे सामने जो के आएगा वैसे आएगा एम वन आर वन स्क्वायर कर देगा, पर ज्यादा गुणा भाग नहीं करेगा। आई इक्वल टू क्या है, एम के स्क्वायर, कैपिटल एम दोस्तों, वो एम वन एम टू एम थ्री कौन है, कैपिटल एम है। अब आ जा इस के का साफ साफ कहता पिंड के आकार और द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है। पिंड का आकार क्या है, पिंड का मास क्या है, इससे के का कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष बिल्कुल इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि सारा खेल किस पे है, रोटेशनल जड़त्व गुण पे डिपेंड कर गया। हाँ, बस इसी से के इक्वल टू रूट ऑफ, बिल्कुल सही, आई अपॉन एम, पिंड के आकार से कोई लेना देना नहीं। जैसे रिंग का जो मैं रिंग की बात करूंगा ना, तो जहां जहां रिंग आएगा वहां वहां एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर आएगा ना, एम से एम घट जाता है, के स्क्वायर आर स्क्वायर है। तीसरा है पिंड के मास, तो दोस्तों ना इस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करे, केवल मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे और गुणन अक्ष पे, बोलो हाँ ना, सिद्धांत में क्लास का है। ग्राइशियल रेडियस जो है वो दोस्तों डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे उसके, क्योंकि अलग अलग अक्ष के सापेक्ष गुणन त्रिज्या अलग अलग है, जड़त्व गुण भी अलग अलग होता है, इस कारण से एक ही बात होगी। देखा बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे आप इस पे, इस पे देखो एक इसमें चीज ये होती है कि एक जैसे रिंग होती है, इसके लिए अपने को के स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, आर स्क्वायर होती है, ये अपने उसमें जो लौटनी होती है उसमें बहुत काम आता है। जो डिस्क होती है उसके लिए 1/2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे खोखला गोला उसके लिए 2/3 होता है। खोखला गोले का मतलब तो हो गया रिंग, और ठोस गोला हो गया डिस्क, और जो ठोस गोला उसके लिए 2/5 होता है, ठीक है। ये चीजें वहां पे अपने काम आएगी, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। एक मिनट, मैं गलत बोल गया, गोला नहीं बोलना, बेलन, खोखला बेलन मतलब रिंग, और ठोस बेलन मतलब डिस्क, गोला अलग चीज है। हाँ बिल्कुल, वही बात आ गई ना, बिल्कुल। चले आगे आगे चलो, ये मेडिकल में पका पकाया प्रश्न है दोस्तों, इस ध्यान सुन लो भाई, पैरेलल थ्योरम जो है समानांतर अक्षों के प्रमेय का लास्ट मास्टर क्वेश्चन है। वो कहता है एम और आर तीन वलय, देखो सुनो, ये तीनों वलय हो सकती हैं, ये तीनों डिस्क हो सकती हैं, ये तीनों खोखले गोले हो सकते हैं, ये तीनों ठोस गोले हो सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन वो कहता है वाई वाई डैश के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सुन पुत्र, इसको एक नंबर कह दे, इसको दो नंबर कह दे, इसको तीन नंबर कह दे, तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आ जा सबसे पहले आई वन बोल, तू खुद बता पुत्र ये क्या है, वलय है ये, वलय, और वलय के ये क्या हो गया, व्यास के प्रति हो गया, वो अपना क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ये याद रखना पड़ेगा, क्या बना भाई, वलय के केंद्र से गुजरे अक्ष के प्रति होता है एम आर स्क्वायर, इसके प्रति हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू। सुनो रे दान दो, ये वलय है, इसके प्रति है एम आर स्क्वायर, इसके प्रति है एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके प्रति है 3/2 नहीं 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 इसके इसके प्रति व्यास के सापेक्ष 5/4 एम आर स्क्वायर, और इसके प्रति है 3/2 सॉरी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस अक्ष के प्रति कितना है एम आर स्क्वायर, इस अक्ष के प्रति कितना है 2 mr स्क्वायर, थैंक यू थैंक यू, इसके प्रति एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके प्रति 3/2 एम आर स्क्वायर। बस अब आप आ जाओ, ये आई वन हो गया, अब पुत्र आई टू पे आ जाओ, तो आई टू क्या है, ए इसको ले, ए तो ये कौन है आई नोट प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये क्या है तेरा, देखा जाए तो वही बात आ गई ना, इसके व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष समानांतर है, लंबवत व्यास के सापेक्ष समानांतर है, कितना होता है 3/2 एम आर स्क्वायर, और जैसा जैसे 2 पे वैसा का वैसा 3 पे, तो जोड़ दे बेटा कितना आया एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस 2 × 3/2 एम आर स्क्वायर, काट दे 3 आधा कितना हुआ 3.5 कितना हुआ 7/2 तो 7/2 बेटा, इसको पेज खाली कर एक बार, एक बात बता बोलो, ये एक वलय है, ध्यान देखो तब, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति पूछे तो कितना है एम आर स्क्वायर, अगला कैसा इसके प्रति कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू, याद रख ले भाई, अगला कह इसके प्रति कितना है, फिर पहले खड़ा कर केंद्र पे, तो इसके प्रति कितना है एम आर स्क्वायर, इसके प्रति क्या होगा प्लस एम आर स्क्वायर,
ओके डियर, टू एम आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या, ये हुआ ढंग रखना पेन खड़ा करना, मतलब ये तो ये है स्तय से गुजर रही है और लंबवत है, ये स्तय पर है लेकिन स्पर्श एक ही, किसके सापेक्ष है व्यास के, ये क्या है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आया तीन बटा दो एम आर स्क्वायर। आ जाओ जी, मैं माने डिस्क है, ये डिस्क है, ये कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ये कितना हो जाएगा बाई फोर, बाई फोर। अब इधर देख पेन खड़ा कर, एक मैं इसे पूछूं ये कौन है स्तय से गुजरने वाली लंबवत अक्ष, ये कितना तेरा एम आर स्क्वायर बाई टू, ये कितना है एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया थ्री बटा टू एम आर स्क्वायर। इधर चल, एक इसका बोल कितना होगा, ये किसके प्रति हुआ तेरा पेन खड़ा कर, तेरा पेन पटक, ये कौन है व्यास के प्रति, ये कितना है एम आर स्क्वायर फोर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो गया पांच बटा चार एम आर स्क्वायर, यहां एम आर स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर फोर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर पांच बचा एम आर स्क्वायर। चल बेटा आ जाए, ये ठोस गोला है, ठोस गोला, यह एक बड़ी परिभाषा है, ठोस गोले का मतलब देखो लड्डू बड़ा सा ना, एक लोहे का पाइप लो ऐसे लो और ना वो स्वेटर बुनने के होते ना सिलाई टाइप, एक लोहे की छड़ दो और लड्डू के आर पार पार कर दो, हेलो अरे लड्डू के मुंह पानी मतलब यार, लड्डू बड़ा सा अब उसमें एक लोहे की रोड ऐसे पार कर। अब यहाँ एक बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसको व्यास बोलते क्या केंद्र से मिलना बोलते अक्ष बोलवा, यही बात है भाई, कोई ठोस गोला है उसके केंद्र से जो अक्ष गुजर रही है उसी का नाम तो डायमीटर है, उसी का नाम अक्ष है, ए ए ये ले यार ये खींच ली मैंने, ये कितना होता है दो बटा पांच एम आर स्क्वायर। कलर चेंज कर दूं, इसके प्रति पूछे तो दो बटा पांच एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हुआ सात बटा पांच एम आर स्क्वायर। यदि ये खोखला गोला है तो ये होता है दो बटा तीन एम आर स्क्वायर तीन बटा दो एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा तीन बटा दो प्लस हाफ कितना हो जाएगा पांच बटा तीन हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट इतने ही है। अभी तो कितने पढ़ते हुए मतलब निकलता है, रिंग पढ़ लो डिस्क पढ़ लो ठोकला खोखला गोला ठोस गोला, एक आपको छड़ पहले पढ़ा दिया अपने पढ़ा दिया ना, यहाँ तो एम एस स्क्वायर बाई तीन है और यहाँ एम एस स्क्वायर बटे बारह है, तो छड़ प्लस रिंग अपन खोखला बेलन बना देंगे पढ़ा ले, और छड़ा बना बड़ा पुत्र ये बना यार ये बढ़ा दिया बढ़ा दिया ये छड़ है भाई, ऐसे देखेंगे तो छड़ होगी, ऐसे देखेंगे तो रिंग होगी, होगी। तो अगर अपने को किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अपन ज्ञात करना है, तो छड़ का और रिंग का दोनों का अपन जोड़ दें, पता इस अक्ष के प्रति कितना होगा, फिर इस अक्ष के प्रति अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये तो एक रिंग होगी, यस, तो रिंग का तो अपने पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू फोर रिंग है, रिंग ले रहे पहले खोखला छड़ का है खोखली, ध्यान दो बच्चों खोखली छड़ सुनो सुनो खोखली छड़ रिंग क्यों है सुन रहे, एक खाली पाइप है ना उसके टुकड़े काट ले रिंग नहीं बनती है क्या, और ठोस पाइप टुकड़े काटे डिस्क बन जाती है, इसी बात पड़ी, तो ये दोबारा बोल रहा हूं क्या है खोखला गोला, तो खोखले गोले का मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस बोल पुत्र इधर से देखेंगे तो अपने को रोड दिख रही है, हाँ एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी ट्वेल्व हो जाए ट्वेल्व इसकी यहाँ बढ़ा ये। अब यदि इसी को बोल दूं कि ठोस बेलन है तो कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ एम आर स्क्वायर फोर हो जाएगा, इस अक्ष पर देखना है, अगर इसको अपन देखेंगे तो ये तो अपने छड़ लंबाई मतलब छड़ तो जीरो जाएगा, तो रिंग है तो ये इसका मतलब मेरी भाषा में कि रिंग खोखला बेलन है तो रिंग बोल दे और ठोस बेलन है तो डिस्क बोल दे, हकीकत में क्या है केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष, बिल्कुल केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष है, तो रिंग है तो एम आर स्क्वायर है और डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू है, बट इसके अंदर अपने रोड का ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हाँ कोई लड़ना नहीं है, इस पर से एक एक्स हो गई तो कोई लड़ना नहीं है। देखो डियर इस समझाया क्वेश्चन को मैंने तो आपको मैं एक बात करना चाहता हूं कि इस पे आज के इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन वही है, तो दोबारा बात भी करेंगे आपसे इस पे आगे क्वेश्चन में बेटा हो गया हमारा पूरा क्यों आगे चलो ये ले फिर हुई गाड़ी देखो छोटे क्लास ध्यान से बैठा पूछा ए मास एम की वर्गाकार प्लेट है ए काम ये प्लेट का मतलब बढ़ावा है ये बोर्ड पे ऐसे प्लेट है ठीक है इस प्लेट का उस अक्ष के पारित जो इसके तल के लंबवत है तथा किसी एक कोने से गुजर रही है ये बोल है ना बिल्कुल बोल क्या कहेगा ये था ये होगी बिल्कुल कौन इस एक कोने से गुजरने वाली ध्यान से पढ़ो कंसीडर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए मास एम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस प्लेट आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए
the moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through its ordinary. तो मैं इसको ऐसे कर दूं यार, ये अपने आप में एक छड़ होगी, ये अपने आप में एक छड़ होगी, ये ले यार दोनों छड़ों का जोड़ देंगे, ये कितना है ml छड़ के किनारे पे है ml स्क्वायर बटे 12 3 सॉरी 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 ml स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर बाय 3 तो 2/3 ml स्क्वायर ये ले यार ये उधर हो गया। ये जोड़दार तब हो गया जब आपको लैंग्वेज पढ़नी आती है, ये बताओ मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट के सापेक्ष अगर अपने को जड़त्व का गुण ज्ञात करना है हाँ। तो उसके दोनों लंब को दिशाओं में आपको देखना है, दोनों छड़ों का जड़त्व का गुण आपको निकालना है। अगर अपने को इस वाली अक्ष के सापेक्ष अगर अपने को निकालना हाँ, हाँ, तो ये वाली एक रोड बन गई हाँ। एक रोड अपने पास ये बन गई, एक 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 मिनट अपन ऐसे ऐसे पूरा बना दे, ये बन गया, ये ले इसका ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, इसका भी ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 6। तो एक प्रश्न बन गया आपको बातों में, क्या बन गया कि किसी वर्गाकार प्लेट के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के प्रत्यय कितना हो गया ml स्क्वायर बाय 6 हो गया। और इसके अंदर ये भी अक्ष अपन ले सकते हैं हाँ? जैसे ये वाली अक्ष लें हाँ? तो एक तो अपने पास इस प्रकार से ये वाली रोड बन गई yes। और एक अपने पास में ये एक सीधे से अब मैं बोलूं सिर्फ बात को, तो इसके लिए तो हो गया ml स्क्वायर बटे 12 और इसका हो गया ml स्क्वायर बाय 3 टोटल आ जाएगा 3 संभावना, एक संभावना दो संभावना तीन संभावना पूरी कर देना बात। यही एक सुंदरता गुरु नीति की, हम लोग केवल चंद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करवा, तो ना तो पूरी थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोग, वो तो आपकी कोचिंग पढ़ा रही है, और ना सॉर्ट करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से सफिशिएंट है उसकी देन भी की, तो देख रहा यूट्यूब पे व्यूअर्स को देख रहे हैं बहुत ज्यादा, चले आगे आ जा। हाँ सुखदेव पुत्र, अभी जो अपन बात कर रहे थे ना वो आ गया देख, ये कहते हैं सिलेंडर सोलिड सिलेंडर, सोलिड सिलेंडर मतलब डिस्क सेट कर दिमाग में, होलो मतलब रिंग, सिलेंडर मतलब डिस्क, मास एम है, लेंथ एल, रेडियस आर है, द मोमेंट अपना बढ़ाना है डायग्राम में, ये देख। अब अपन इसका कलर चेंज करते हैं समझने के लिए, अब देख क्या कहता है अगला साहब, कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम सरफेस एंड पैरेलल टू लेंथ, बस तो डियर ये इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल मतलब इसके पैरेलल हो गया, ये कौन है डिस्क के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष कितनी होती है एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना जोड़ दे इसमें एम आर स्क्वायर, कितना हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, चलो आगे ठीक डियर आ जा। फिर वो अपने बात दोबारा से आगे, पतली एक समान छड़ का मास एल है, लंबाई एल है, उसके मध्य बिंदु ए बना 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 ए उसके मध्य बिंदु से होकर लंबाई के लंबवत अक्ष के पार जड़त्व का गुण आई नोट है, इसमें आई नोट कह दिया, ओ बच्चे क्या कहना चाहता है कि एम एल स्क्वायर अपॉन 12 का नाम क्या है आई नोट है, फिर सी बात है धंधे एम एल स्क्वायर अपॉन 12 नाम क्या है आई नोट है। तो छड़ के एक किनारे से गुजरने वाली तथा इसकी अक्ष के लंबवत जो है इसके प्रति कितना है, तो मैं जानता हूं इसके प्रति होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। अब मेरे को एम एल स्क्वायर 12 का नाम 12 है, एक काम करता हूं सीधा मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तेरा एम एल स्क्वायर बटे कितना है 12, इसका नाम आई नोट है, तो यार अपने आप हो गया ना भाई आई इक्वल टू 4 आई नोट, ऐसा इसने आंसर नहीं दिया, पूरी बात पूछी है पूरी बात पूछे पूरी बात निकाल, तो इसका मतलब होगा आई इक्वल टू आई नोट प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, ऐसे बोलते कौन सा यार तीसरा क्या कहूंगा, सही बात है तीसरा हो गया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये बहुत आसान पूछ रहा है, तो ऐसे भी चेंज करता कई बार ये, ठीक है आगे चले, ये क्वेश्चन आप कराए मैं चाहूंगा, तो यहाँ पे ये अपने पास में देखो जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपने को ये दे रखा है फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास 9 mm, इसका जो मास अपने को 9 mm दे रखा है, और इसमें से अपन क्या करते हैं एक जो डिस्क है वो अपन क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं मास एंड रेडियस आर बाय 3, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में इसका जो रिमाइंडर है जो शेष बचा हुआ भाग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पूछा जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले किस अक्ष के प्रति पूछ रहा है उधर, वो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष लंबवत अक्ष के प्रति, ठीक बिल्कुल सही, तो ये अपने पास में जैसे एक डिस्क है तो पहले ये थी, अब इसमें से अपन ने ये हटा दिया तो इसका मास कितना हो जाएगा एम और इसकी रेडियस हो जाएगी आपके पास आर, एक मिनट मैं चाहूंगा पुत्र आप इसको थोड़ा बताएं कि आर रेडियस का मास 9 mm है और आप इसमें से आर बाय 3 काट रहे हो तो मास 9 गुना कम हो गया क्योंकि वो आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर आता है जिस पे शायद, तो आप यही बात करना चाह रहे हो डी इक्वल टू एम वी एम मल्टीप्लाई डी वी, व्हाट इज डी वी पाई आर स्क्वायर टी, राइट, तो आप साफ साफ कह रहे हो डी कॉन्स्टेंट है
टी कॉन्स्टेंट है, तो आप ये करना चाह रहे हो आम एम जो है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, तो देखो आर रेडियस है तो मास 9 एम है, रेडियस आर बाय 3, तो आर बाय 3 करते ये 9 टाइम कम हो गया, पहले क्या था 9 एम, अब कितना हो गया एम। तो मैं आपकी बात को उत्तर कन्वे कर दूं बच्चे को कि जो पूरी डिस्क थी उसका मास 9 एम था, अब जो गुटका काटा है बीच में से वो कितना कट गया एम का, बस अब आगे चलो। तो इसमें सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि काटने से पहले का जो जड़त्व अवगुण है इसमें से जो काटा गया भाग है उसके जड़त्व अवगुण को माइनस कर देंगे। अच्छा ये फिक्स है क्या? बिल्कुल, बोल दे बच्चों उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेके चला जाएगा बाहर, तो बस शेष बचे बाहर आ जाएगा। आप ये करना चाहते हैं कि डिस्क के प्रश्न जब आए तो बच्चों दिमाग में लगाना, पहले क्या करो सबसे पहले तो आप टोटल डिस्क का निकालो, तो वो अपना क्या है इसके प्रति इसके सापेक्ष, तो 1/2 लिख दो, 1/2 9m लिख दो, 9m आर स्क्वायर स्क्वायर हो गया माइनस माइनस जो गुटका काटा उसमें दो चीज काम की है, उसका मास भी चाहिए, उसका मास जो बने निकाल चुके m आ गया, तो तरीका वही 1/2 इसका भी बिल्कुल m और r के क्या आएगा r/3 का होल स्क्वायर। चल पुत्र आगे चल, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9/2 mr² आ जाएगा माइनस के बाद माइनस mr²/18 mr²/18 आ जाएगा। हां तो फिर उसके बाद यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे ये 9/2 तो हो गया अपने पास, मगर तू गए तो ये 18 ले लूं 18 तो 9 बार गया 81 माइनस 1 हो गया 80 आ गया ऊपर 81 mr² माइनस mr² ये तेरा आ गया 80 mr² / 18 40 हो गया हो गया हो गया हो गया 18 / 80 / 18 9 का भाग दे दे। हां क्यों दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे 2 से चांस वैसे दिया क्या 40 40/9 आ गया 40/9 mr², तो ये फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। लेकिन अपन थोड़ा सा बात को रिवाइज करें पुत्र कि इस प्रकार की प्रॉब्लम जब आती हैं तो आप वो जो गुटका काटते हो उसका मास निकाल लो और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसको माइनस कर दो। इसमें एक चीज अपन और ध्यान रख सकते हैं, क्या बताओ, उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया जा सकता है कि कई बार जैसे यहां से अगर ये काट दिया यस तो फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इसका इसके सापेक्ष जो है ना वो अपन माइनस कर देते हैं, सही है, जबकि अपने को इस वाली अक्ष के सापेक्ष जो इसका जड़त्व अवगुण था ना वो माइनस करना होता है, वो जोड़ना पड़ेगा, पहले इसका अपन इसके सापेक्ष निकालेंगे फिर समांतर अक्षों की फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा बिल्कुल, फिर इसका माइनस करेंगे इसके सापेक्ष, ये काम की चीज है। थैंक यू, इसीलिए मैंने खड़ा किया सुखदेव सर को, मैंने कहा आप इस तरह से चीज को हम जब डिस्कस कर रहे थे ना तो कहा सर आप इस तरह से बताएंगे, ये ध्यान यहां जब बोला बन जाए तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है, थैंक यू, हो गया ना कितना सारा हो गया, आगे चलो। ये है बड़ा सुंदर, एम मास आर रेडियस की वर्ती वलय, देखो सुनो ये कोई पूरी वलय है, ठीक है, इससे 90 डिग्री का एक चाप काट दो, 90 होता है, 90 डिग्री का मतलब दोस्तों हकीकत में ये है कि 90 डिग्री का चाप काटने का मतलब है मैं इसको मिटा दूं तो दोस्तों 1/4 काट दिया, कहने का मतलब ये है रे यार सुखदेव पुत्र यदि इसका मास m है तो इसका मास 3m/4 है, इतनी सी बात है यार, बिल्कुल, क्योंकि 360 के चार हिस्से होते हैं, 90 बस हो गया मेरे हिसाब से, तो ये कहता है कि m मास r रेडियस की वर्ती वलय से 90 डिग्री का आप इसमें से कोई काटते सेगमेंट है तो शेष वलय का जड़त्व अवगुण है वो उस टोटल कितना है, तो अकेली होती है तो दिस इज i इक्वल टू क्या है mr², अब तेरा फॉर्मूला तो वही है जहां m है वहां क्या आएगा m 3/4 r पार रहेगा, अब तेरा ये क्या है mr² है पहले वाला बिल्कुल, इसको क्या कह सकते हैं i कह सकते हैं, तो i′ = तेरे सामने क्या आ गया 3/4 k, तो k का मान क्या आ गया 3/4 आ गया। इस मुद्दे की बात यार 90 डिग्री का मतलब आपने इतना हिस्सा काट दिया इसका, ये हिस्सा काट दिया 1/4 काट दिया तो 1/4 मास कट गया, कितना बच गया 3/4 बच गया, मतलब इसके अंदर सिमेट्रिकली सममित रूप से अपने, लेकिन वो मेडिकल में से आएगा। अब यहां सुन लो, यहां लड़का मात कहां खाता है, आईटी घुसेड़ता है मेडिकल में, आईटी अलग है भाई, आईटी नहीं आती, आईटी देने मैथ देता है यार, मेडिकल बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल में मात ही बच्चे खाते हैं जो नहीं पढ़ते नहीं पाते, पढ़ने के बाद भी कुछ लड़ता क्यों नहीं होते हैं, पढ़ने के बाद सिलेक्ट वो नहीं होते हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं आईटी पढ़ते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, तो वो मजा बात करते हैं इसके अंदर, आगे चलो। चलो भैया क्या करना चाहता है, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बिल्कुल, वो कहता है वन सॉलिड स्फीयर ए एंड अनदर होलो स्फीयर बी, एक ठोस गोला ए है खोखला गोला बी है, द्रव्यमान और बाह्य त्रिज्याएं समान है, सब कुछ सेम हो गया, एम और आर दोनों सेम हो गए, सही है, तो उनके व्यास के प्रति जड़त्व अवगुण कॉमन सेंस की बात है भाई, खोखले का ज्यादा होगा क्योंकि खोखला दूर होता है, बिल्कुल होलो का क्योंकि होलो का द्रव्यमान दूर जाता है, आई भी ग्रेटर देन आई, क्यों ये कहेंगे इसमें और क्या कहेंगे,
ये रोजगार रह गया इसका केवल एक भाई, खोखला हो गया तो उसका मांस दूर चला गया, दूर चला गया तो बाह्य तो सेम है तो अंदर से खोखला हो गया ना, तो मांस का डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया तो आई आपका ज्यादा हो गया। न्यूमेरिकली अगर अपन बात करें तो ठोस का 2/5 हो जाएगा, इसका 2/3 खोखले का 2/3 ऐसे भी कर सकते हो। हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हो, 2/5 और 2/3 ज्यादा कौन है 2/3, 2/5 तो 0.4, 2/3 0.6 होता है। चलो आगे चलो भैया, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैं बार बार एक बात करता हूं हमेशा बच्चों से कि रे भगवान भला करे जड़त्वा गुण का ये स्केंद्र हो गया, विक्टर होता तो सारे जोड़ करने पड़ते हैं। ध्यान दे बच्चे, बिंदु द्रव्यमान 1, 1, 2, 3, 4 किलो, 0, 0 रखा हुआ, एक मास कहां रखा हुआ है यहां पर रखा हुआ है, कलर चेंज कर ले, एक मास सुखदेव पुत्र कहां रखा हुआ है यहां रखा हुआ है, दूसरा कहां रखा हुआ है यहां रखा हुआ है, तीसरा कहां रखा हुआ है यहां रखा हुआ है, चौथा कहां रखा हुआ है यहां कहीं रखा हुआ, तीसरा यहां पे रखा हुआ है, वाई पे, वाई पे का यस यस वाई सॉरी वाई वाई पर यहां पर रखा हुआ है, यहां पे नहीं भाई, यहां पे नहीं, डायग्राम बनाओ तुरंत, ये लो जी देखते सामने है, एक मास ये इसको 1 नंबर कह दे, इसको 2 नंबर कह दे, इसको 3 नंबर कह दे, ये 4 नंबर कह दे। अब वो कहता है कि अक्ष अक्ष के प्रति, इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक मिनट तू मेरा साथ दे, I=I1+I2+I3+I4, I1 क्या है 0, बोलो क्यों, क्योंकि ये क्यों भी बोलो एक्स एक्स जीरो, आई टू भी क्या है 0, आई थ्री क्या है दूरी, सिंपल दूरी कितनी है 3 मीटर, तो एम कितना है 3, एम हो रहा है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, नो प्लस आई फोर दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस नहीं लंबा दूरी कितनी है 2, एम कितना है 4, बोलो बोलो बिल्कुल 4+2 का स्क्वायर इतना क्या है 27 आ गया, 27 ये 16 आ गया, 16 43 कि वो अगला कहता है इसको ऐसे मोड़ दो, फिर इसे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ये छड़ है ऐसे मोड़ दी 60 मोड़, हाँ मोड़, इसे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना है, आंसर क्या आएगा यहां भी ML²/12 है और यहां भी ML²/12 है, बोलो है ना बिल्कुल सिंपल आस्पेक्ट है इसका, क्यों कोई गड़बड़, चलो क्वेश्चन देखो वापस बेटा, इसका आंसर हो गया ML²/12 बड़ा एक सिंपल एस्पेक्ट है, 60 डिग्री का कोई इसमें लिंक मेरे हिसाब से है नहीं, कोई लिंक नहीं, सिंपल सी बात है कि आप इस तरह से हैं, आपने पिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब वो चीज आ गई दोस्त, टो इक्वल टू R cross F, टो इक्वल टू क्या होता है RF साइन थीटा, साइन थीटा जे इक्वल टू रूल नहीं है समझने के लिए, ये आपके 2-3 फॉर्मूले है, क्यों ये तो ऐसे ऐसे गड़बड़ी है इसमें, ऐसे गड़बड़ी है इसमें, आर बाद में आता है, हाँ बातें जीव जीव करते हैं, एक बात जानता हूं यार, मुझे एक बता दे आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता बता दे, के, तो के तू जानता आई की लंबवत है और जे के लंबवत है, अपन कई बार कहते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, तो सी ए के लंबवत है और सी बी के लंबवत है, बस सीधी सी बात होते हैं, क्या पढ़ा टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ले भैया तो टो जो है वो आर के भी लंबवत है, टो जो है वो एफ की भी लंबवत है,
लंबवत का मतलब एंगल क्या हो गया 90 और एंगल 90 का मतलब कोस 90 क्या होता है जीरो तो कहां जहां के डॉट आ गया वो अपने आप ही क्या हो जाएगा जीरो ये तो बात है तो साफ कह रहा है आर डॉट टो इक्वल टू क्या है जीरो एफ डॉट टो जीरो आंसर आ गया क्या दिखा चलो बात को पकड़ने की कोशिश कर आई क्रॉस जे इक्वल टू के जे क्रॉस के इक्वल टू आई आई क्रॉस के इक्वल टू एक पूरी चैन होती है ये पूरी चैन होती है आई जे के ऐसे आई जे जे क्यों के तो ये ठीक है वही बात करना चाहता है तो तू खुद कह रहा है कि परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर चीजों की डॉट लगा दो जीरो तो ए बी कोस थीटा वो 90 कोस का मान क्या होता है जीरो तो आंसर क्या हो गया बेटा फर्स्ट हो गया आगे चलो ये हमारा लाडला प्रश्न है वो कहता है एक कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट टॉर्क का मतलब है आपकी जो है और ये संवेग में परिवर्तन की दर वो कांस्टेंट हो जाएगी ए ए दूसरा नियम लग जाएगा टो इक्वल टू डीजे बाई डीटी बस डीजे का मतलब होता परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल अपना पैट फंटाइल किसी भी चीज के पीछे डी का मतलब होता परिवर्तन परिवर्तन अगला साफ कहता है यार कि पहले 4 सेकंड में ए नोट से कितना हो गया 4A नोट तो 4A नोट कहां से हुआ ए नोट से कितने सेकंड में 4 सेकंड में तो दिस इक्वल टू 3A नोट बाई 4 3A नोट ऑप्शन आ गया क्या करें इसमें कुछ है ही नहीं करने दोस्तों बहुत इजी टू रोटेशनल मोशन एक बात कहूं मैं यूनिट से लेके अप टू रोटेशनल तक यदि पार्टिकल 4 क्वेश्चन आए तो अब तक जो पढ़ाया था वहां से 2 आएंगे तो अकेले 2 रोटेशनल जाएंगे ये गांठ मानना सीख गए इसलिए रोटेशनल पे हमने 2 वीडियो लिए हैं 2 गुणनीति के एपिसोड लिए इसके आगे चले चल कपल प्रोड्यूस पेज खाली कर देखो सिंपल बताओ देख देख भाई ये कोई है ये फोर्स लगा फोर्स क्या है रिजल्टेंट जीरो रेखी है ना गोलन है थोड़ी सी भाषा को बिना बोले देख ए इसका मतलब क्या हुआ नेट फोर्स ये छोटा है ये बड़ा है नेट फोर्स जीरो नहीं है तो कौन सी गति करेगा रेखीय गति इधर देख जितना फोर्स यहां से उतना ही फोर्स यहां दोनों कुल है इसको ऐसे बोल दे एफ ये F1 F2 ऐसे बोलते रहिए मैं F1 = F2 यहां F1 ≠ F2 यहां F1 = F2 तो ये क्या करेगी केवल रोटेशन करेगी और दोस्तों यहां वो एक कहानी इधर से ये ये तेरा F1 और ये तेरा F2 ये तेरा F1 ≠ F2 तो ये चलेगी भी और घूमेगी भी तो क्या बोलूं पुत्र इस लो कंडीशन में देख बहुत सारी है देख ये इसकी कार्य का अध्यक्ष है और ये इसकी कार्य का अध्यक्ष है दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ये सेम है F1 F2 बराबर है तो फोर्स क्या हो गया जीरो देयर आर नो मोशन यहां x सेम है पर फोर्स लग गया तो रेखीय गति ये केवल गुणन गति ये रेखीय गुणन दोनों साइक्लोइड गति कहेंगे पर प्रोपोर्शन क्या है साइक्लोइड रेखीय चलती भी और घूमती भी इसको CTRM भी बोल सकते हैं अपन कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ये नया नाम है CTRM कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन CTRM ये सब मेरे नया भैया थैंक यू क्वेश्चन पे आ जाओ अगला साफ कहता है एक कपल बल भी उत्पन्न करता है केवल रेखीय गति केवल गुणन गति रेखीय और गुणन गति कोई गति नहीं तो भाई जोड़ा क्या पैदा करेगा गुणन गति तो कर सकता ही नहीं रेखीय गति कर सकता है गुणन क्या करेगा बताओ कपल है तो टॉर्क करेगा तो केवल गुणन गति करेगा केवल रेखीय गति क्यों नहीं करेगा नेट फोर्स जीरो नेट फोर्स जीरो केवल क्या करेगा ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा अपना भाई आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पे हमने आपको इसके 4 ऑप्शन बनते हैं चारों ऑप्शन दोस्तों आपको बता दिए उसके बाद एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया तो इसका आंसर आपके सामने सामने आ गया दोस्तों सेकंड ओनली एंड ओनली रोटेशन मोशन आगे चलो चलो भैया द मोशन ऑफ प्लेनेट देखो सुंदर भैया ये ग्रहों का उपग्रह के चारों उपग्रह का ग्रह के चारों ओर घूमना नाभि के चारों प्रण घूमना ये सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम है कंजर्वेशन है सुंदर भैया जहां सेंट्रीपेटल फोर्स आ गया विकेंद्र बल आ गया जहां बाहर से कोई बल नहीं है वो सारी दुकान किस जाती है कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंटम ये दो ही है या तो नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ग्रहों के चारों ओर घूमेंगे उसका नाम ग्रेविटेशन फोर्स में कैपिटल डी है कैपिटल स्लो चले आगे आ जा 25 पे आ जा ये फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे तो क्या कहता है एम मास व आर रेडियस की पतली वर्ताकार बल है
अपने अक्ष के प्रति, देखो ये है वो लहर कोई अपने अक्ष के प्रति घूम रही है। एम मास के चार कण, चार अगर ये चार, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, लंबोत व्यास के चारों रख दिए, धीरे से रख दिए। धीरे से रखने का मतलब बाहर से कोई बल नहीं लगाया, तो यहां क्या होगा पुत्र, कोणीय संवेग टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो इसका मेरा एक भाषा है, घटना से पहले का मोमेंटम और घटना के बाद का मोमेंटम। ध्यान दे क्लास, मैं घटना सब काम लूंगा, मैंने आपको कल पढ़ाया कोलिजन, वहां मैंने घटना सब काम लिया, घटना से पहले कोलिजन और घटना के बाद का, सॉरी घटना के पहले का मोमेंटम और घटना के बाद का मोमेंटम। तो घटना के पहले का मोमेंटम क्या है इसका, आई ओमेगा, आई ओमेगा, यस यस यस, जे इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा। तो आई कितना है इसका, एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू। अब एक बात सुन, तूने इस पे कंटिका दी, तो ओमेगा तो अलग अलग थोड़ी सकता, ओमेगा डैश हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। तो अब कैसे करोगे, कैपिटल एम दिया, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस फोर स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, मतलब आपने पार्टिकल्स का जो जड़त्व गुणा वो भी जोड़ दिया भाई, mr square, तो कितना हो गए 4 mr square, ओमेगा सेम रहेगा। अब ये कहते हो ये कैपिटल एम अलग है, स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या चाहिए ओमेगा डैश क्या, ओमेगा डैश क्या आएगा, एम अपॉन एम प्लस 4m, बोल कौन सा, बोल पुत्र कौन सा आंसर है, इनटू ओमेगा, ओमेगा यस ओमेगा रहेगा, ओमेगा रहेगा, तो आंसर कौन सा हो गया तेरा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, बोल हां बिल्कुल फर्स्ट आंसर आ गया। क्या काम आया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण का काम आया। ठीक है डियर, चलो आगे आ जाओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कहता है पार्टिकल विथ पोजिशन वेक्टर आर हैज लीनियर मोमेंटम पी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम एल। तो साफ कहता है स्थिति से आर है, रे की संवेग पी है, मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या है। तो डियर अब थीटा अगर चेंज होगा तो अपना जे भी चेंज हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि अगर थीटा को अपन 90 कर देते हैं तो साइन 90 आपके पास 1 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जब आर और पी एक दूसरे के लंबवत है तो इस स्थिति में एल अधिकतम हो जाएगा। बिल्कुल, तो फोर्थ आंसर अपना। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें हर जगह आर आएगा, ये आर क्या है, आर देखो दोस्तों इस टॉपिक में दो लाइन है, एक तो लाइन है गुणन अक्ष और एक लाइन ऑफ एक्शन, एक बल की कार्यकारी रेखा और एक गुणन अक्ष, उन दोनों लाइनों के बीच की लंबवत दूरी इस एंगुलर मोशन में आर है। बोल हाँ, बिल्कुल बोल दू, फिर सुनो सब लोग, एक तो होती है गुणन अक्ष, एक होती है लाइन ऑफ एक्शन, विबल तो लगाना पड़ेगा ना, लाइन ऑफ एक्शन कार्यकारी अक्ष, कार्यकारी अक्ष और गुणन अक्ष के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा आर होती है, किसमें, रोटेशनल मोशन में, उसको अपन अघूर्ण भुजा भी बोल सकते हैं। यस यस, एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट आप अघूर्ण भुजा कहते हैं उसको, अघूर्ण भुजा, बिल्कुल सही है। थैंक यू, आगे चलो, ये आगे बातों बात देखो, ये एम मास का कण पीसी रेखा के अनुदेश, इस रेखा के अनुदेश बंदा ये जा रहा है, ठीक है जी, बिंदु ओ के पारित, इसके पारित तो ये आगे लग जाएगा, आगे तो क्या होगा, एम बी एल, ये एम बी एल एल एल, ये मतलब ये एम बी एल। तो इसमें ये जो इसकी गति की दिशा है, हाँ, और इसकी ये अपने पास है, इसका स्थिति सदिश हो गया, हाँ, तो इसकी अपने को जिस बिंदु के सापेक्ष अपने को कोणीय संवेग याद करना है, उसे लंब दूरी, और ये अपने पास अगर साफ कर रहा है बिंदु कौन सा है, ओ के पारित। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या ज्यादा है मेरे को, अगले क्वेश्चन आना बेटा, एक बार और अगले पे आना, और अगले पे आना, एक बार और अगले पे चलता जा, ये रहा प्ले कर देते हैं, सेम कहानी है, ए ये ले आ गया ना, इसी लाइन पे चल रहा है ये, बस लाइन सेम है, तो आपकी कार्य का एक्सचेंज नहीं हो रही, पिछले में एल इक्वल टू एल भी हो जाएगा, क्योंकि लंब दूरी अपने पास ये रहेगी, बस सब पार्टिकल से यहां पे कहीं लंब दूरी अपने पास ये रहेगी, पार्टिकल से यहाँ पे पहुंचे, कहीं पे पहुंच जाओ, लंब दूरी यही रहेगी, तो एल ए बराबर, तो हम
आघूल पूजा कहेंगे इसको। बहुत प्यारा पॉइंट है दोस्तों, फिर कहते हैं इस बात को यहां पूरी करते हैं। इस गुणन अक्ष में, इस गुणन गति में एक तो होता है गुणन अक्ष, रोटेशन अक्ष, एक होता है लाइन ऑफ एक्शन, कार्यकारी अक्ष और गुणन अक्ष, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ रोटेशन, इनके बीच की कौन सी डिस्टेंस लंबवत होती है, वो हमेशा आर होती है स्कोप में। चलो पीछे आ जाओ भगवान बेटा, पिछल बिल्कुल कोई बात नहीं, ए हाँ आ गया, आ गया, ये हो गया, चलिए आ गया, ये हमारा फिर लाटा क्वेश्चन है। अगला कहता बल आघूर्ण आरोपित किए बिना, बल आघूर्ण नहीं है तो जीरो है, ओ पुत्र तो जीरो एंगुलर मोमेंटम है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कांस्टेंट आई की बात है, जड़त्व आघूर्ण में परिवर्तन के तो दो गुणन त्रिज्या उनका, ओ लड़के भाई सीधी सी बात है, तेरे सामने जे इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, आई क्या होता है एमके स्क्वायर, सिंपल बात, आई इक्वल टू एमके स्क्वायर। अगला साहब कहता भैया पिंड वही है तो एमके पीछे वन टू नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है बस, तो के स्क्वायर ओमेगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं इसको के वन स्क्वायर ओमेगा वन इक्वल टू के टू स्क्वायर ओमेगा टू, तो के वन अपॉन के टू ओमेगा टू बाई ओमेगा वन का रूट, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन का रूट। मैं यहां क्लास का ध्यान चाहूंगा फॉर्मूला वो लो जिसमें कॉन्स्टेंट भी आता हो, वेरी करने वाला भी आता हो और वेरी होने वाला भी आता हो। फिर सीधा फंडा है, एक को नियत करता है, एक को बदलता है, एक को हमसे बदलता है, जैसे कहा बल आघूर्ण नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, पर आई नहीं दिया मुझे, किसकी बात की, के की बात, आई इक्वल टू क्या होता है एंके स्क्वायर। आगे चलो भैया, ये देख देख भैया, आर का मान दे दिया, पी का मान दे दिया, अगला कोणीय संवेग पूछ रहा है, तो कोणीय संवेग तू जानता है जे इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी, यानी आर और पी का तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। चलो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट एक बार फिर याद करता हूं, एक दो माइनस एक तीन चार और माइनस दो, पेज खाली करना बेटा जी, तो पेज खाली करें तो अपन आई को ऐसे लेंगे, तो आप जानते हो आई को लेते हैं तो ऐसे करते हैं ना, माइनस चार और प्लस चार, प्लस चार माइनस जे लिया तो माइनस दो प्लस तीन, प्लस तीन माइनस दो प्लस तीन, प्लस तीन और के को लो चार माइनस छह, आई जीरो से बात है। ये तरह क्या बचा माइनस जे और माइनस टू के, कहने का मतलब है कि जे के आ गया, जे के का मतलब वाई जेड तल आ गया, वाई जेड तल आ गया मतलब अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत सीधी सी बात ही है, किशोर राजा भैया वाई जेड तल आ गया तो सीधी सी बात है अक्ष अक्ष के लंबवत, अक्ष अक्ष के लंबवत हो गया, ये है इसका मतलब। आर को स्पी निकाल दिया, निकाल बता दिया आपको गुणा बाकी से, एक्स जीरो आई जीरो हो गया ना, तो आई जीरो मतलब वाई जेड आ गया, तो वाई जेड का मतलब वाई जेड क्या होता है एक्स के लंबवत, एक्स के क्या है लंबवत, ये बॉडी कहां है वाई जेड में है, और आप जानते हो दिशा में समतल के लंबवत होती है किस किस के प्रति, गुणज के प्रति, तो किस पे हो वाई जेड के लंबवत है, तो अपने किस एक्स पे आ गई एक्स एक्स पे लंबवत आ गई, एक्स एक्स साथ आ गई, कोणीय संवेग लंबवत एक्स एक्स, हां एक्स एक्स के लंबवत हो गया, एक्स एक्स के लंबवत हो गया, चले आगे चलो डियर 30। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण उनकी गुणज के सापेक्ष आई वाई टू वाई है, उनकी गुणन गति जुदाओं का मान समान हो, तो देखो सुनो दोस्तों, देखो ध्यान जाऊंगा आपका, हमने अब तक पहले पढ़ाया था E इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और इसको अपन यहां ऐसे लें तो ये होगा E इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, P इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, मुझे याद करो मुझे वहां याद है, वहां होता P इक्वल टू रूट टू एम ई, तो J इक्वल टू हो जाएगा रूट टू आई ई, ई तो ई रहेगा बस, तो फॉर्मूला बन गया J रूट टू आई ई, खाली कर दूं पेज को, तो J इक्वल टू रूट टू आई ई, फिर वो तरीका मेरा क्या कह रहा है, गुणन त्रिज्या समान है, ए गुणन गति जुजा, हाँ हाँ एक बात है, गुणन सॉरी गुणन गति जुजा समान कर दी बस, तो J1 अपॉन J2 इक्वल टू I1 अपॉन I2, एक बटा दो, एक बटा दो, एक रूट में, रूट में, रूट में, एक बटा दो, तो दोस्तों इसका आंसर आ गया एक बटा दो रूट में, तो ये बड़े सिंपल वाले क्वेश्चन है, हो गया डियर क्वेश्चन 30 हो गया। देखो फिर सुनो, जे रूट टू आई, चाहे रेखीय गति हो चाहे गुणन गति, कॉन्सेप्ट वही रहने हैं। आगे चलो भैया, फिर आगे एक ठोस गोला, ये ठोस गोला अपने व्यास के प्रति पृथ्वी घूम रही है, समझ ले यार, यदि इसकी त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या की एक बटा एन गुना कर दी जाए
तो कोने वेग क्या होगा ध्यान जाओ क्लास का, बाहर से कोई बल्ले लगा रहेगा, ये मेरी क्लास का प्रिय प्रश्न है। ये बताओ कौन सा प्रश्न है, यदि ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए तो दिल की लंबाई घटेगी, अब कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है, ये हमारा बहुत प्रिय क्वेश्चन रहा हुआ जब हम तैयारी करते पीटी तब से। देखो ध्यान सुनो, ये कहता है कि ठोस गोला अपने व्यास के प्रति घूम रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है ना, तो J इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट। J इक्वल टू मतलब आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, घटना से पहले और घटना के बाद। अब वो कहता पहले माना कि M और R है, अब उसके प्रारंभिक त्रिज्या की एक बटा एन गुना कर दी जाए, ठीक है और R बाई N हो जाएगा, R बाई N हो जाएगा। अब तू ध्यान से पुत्र, आई जहां लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा पहले जो था, अब क्या लिखेंगे M तो M R square by N square, इसको R2 कर दें, R2 square करते हैं बस ऐसे, और इसको क्या करते हैं ओमेगा डैश, बोल है ना बिल्कुल M से M कैंसिल हो। अब देख जहां लिखा हुआ R1 square वहां पे क्या कर दे R1 square, दिस इज ओमेगा, जहां R2 लिखा हुआ क्या करेगा R by N, तो क्या आएगा पुत्र R square by N square, और ये क्या ओमेगा डैश, R square कैंसिल हो, तो व्हाट इज ओमेगा डैश N square ओमेगा, N square ओमेगा, N square ओमेगा, देखो दोस्तों जब जब परसेंटेज की सुन लो एक क्या द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी इंक्रीज बाय 200% देन द इंक्रीज इन स्कैलेंस, वो कहता है एक घूर्णन कर रही वस्तु के कोणीय संवेग में 200% बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा वृद्धि क्या होगी। सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लिखो जिसमें संबंध बनता हो, ये पढ़ा चुका तुम J रूट टू आई की, वो फॉर्मूला लाओ जिसमें तीनों चीजें कॉन्स्टेंट बदलता है और एक को बदलवाता है। अगला साहब कहता है वस्तु का कोणीय संवेग बढ़ा है 200%, गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी E, इसका आई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो दोस्तों समीकरण बनेगा J1 अपॉन J2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये सुखदेव मेरे दिमाग बहुत भयंकर सेट है, ये क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होते हैं 100% से, माना कि पहले तेरा J1 कितना है 100, तो उत्तर J2 कितना हो गया 300, फिर खाली करना J1 100 है J2 300 हो गया, तो ये तेरा 100 ये तेरा 300, दिस इज E और दिस इज E डैश, स्क्वायर कर ले तो 1/9 इक्वल टू E डैश, तो E डैश आया 9E, 9E को परसेंटेज में चेंज कर तो दिस इज 900% ऑफ E, लेकिन ध्यान देना ये तो हो गया 900, वो कह रहा वृद्धि कितनी हुई, मैं स्टार्ट कहां से बता 100% से, वृद्धि कितने की हुई 800% की, किसने बना बेटा वृद्धि कितने की हुई 800% स्टार्ट कहां से हो 100% से, लास्ट उत्तर आता है उसको क्या माइनस कर दो 100, क्योंकि अगला कहता है हाउ मच इंक्रीमेंट, तो वी स्टार्ट फ्रॉम 100 तो 900 इज रिजल्टेंट डेटा इज नॉट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट 900 माइनस 100 इक्वल टू 800, क्लियर थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34 या 34 पढ़ाने से पहले मैं पूरी रामायण सुनाऊंगा फिर खाली जा रहे, ये मेरा इस टॉपिक का प्रिय प्रश्न है, नत तल पे पिंड की लोटनी गति बिल्कुल रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, शुरू करूं आज ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, ये डियर एक कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसकी ये एंगल थीटा है, इसकी ऊंचाई माना कि एच है और इसकी लंबाई माना कि एस है, और यहां से कोई एक गेंद है जो ऐसे लुढ़कते लुढ़कते यहां आ रही है। देखो डियर यदि ये गेंद सीधा चल के नीचे आ रही है तो क्वेश्चन नहीं है कोई, तो क्या कुछ नहीं करना, जहां ए है वहां लिख दो जी साइन थीटा, पढ़ा चुके पहले मंडी में, यदि नत्तल पे कोई चीज फिसल के आ रही है तो कहने की बात ही नहीं भाई, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, और वो अब वो रोटेट होके आ रही है तो इसका डेरिवेशन है कंप्लीट। अपने एक बात जानते हैं सुखदेव पुत्र, कुछ भी हो जाए एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कंजर्वेटिव, कौन सी एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जब ये बॉडी रखी हुई है यहां तो सारी की सारी एनर्जी क्या है इसकी एनर्जी एच, एच छोटा बड़ा कोई भी एनर्जी, जब ये यहां आ गई तो एच तो क्या हो गया जीरो जीरो, अब ये सारी एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, बट वो दो प्रकार से है, तो ये चला भी है और घुमा भी है, ये चला भी है और घुमा भी है, तो इसकी जो एनर्जी एच है वो हाफ आई एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो आगे,
एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई क्या होता है डियर एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा मैं तेरे हिसाब से कर लू, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम के स्क्वायर वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक काम कर पुत्र, इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकाल ले, अंदर क्या बच गया वन प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है डियर, पहले बड़ी बात है, अब तक पूरा एडिशन हो गया। अब इसको मिटा कर लिया हमें, फिर मेरे पास बोर्ड खाली करना है मेरे को। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना कि मेरी जो एम जी एच है वो हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। एम से एम कैंसिल आउट कर दे तो पुत्र जो मेरा वी स्क्वायर है वो क्या है टू जी एच जी भी रहेगा रूट टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्क्वायर ना जो पूरी दुकान किस में आ जाएगी रूट में आ जाएगी। पहले बड़ी बात है, अब यहां एक बात सुन ले, यदि रिंग है तो एम के स्क्वायर बराबर आएगा एम आर स्क्वायर, यदि डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बराबर आएगा एम के स्क्वायर आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ये ठोस गोला है तो एम के स्क्वायर बराबर दो बटा पांच एम आर स्क्वायर, ये खोखला गोला है तो एम के स्क्वायर बराबर दो बटा तीन एम आर स्क्वायर, ये खोखला बेलन है तो एम के स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर, ठोस बेलन है तो एम के स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू बुलाया बस। अब वो कहता है पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, कुल कितनी दो प्रकार की ऊर्जा है, एक का नाम है लीनियर एनर्जी ऑफ काइनेटिक, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दो है यहां पर। यहां जो ऊर्जा थी वो दो जगह बदल गई, एक तो बदली रेखीय गतिज ऊर्जा में, एक बदली घूर्णन गतिज ऊर्जा में। पूछेगा कौन सा कितना हिस्सा बदला, ये कौन है पुत्र इसका वी है, वी है ये इस वी से यहां आएगी, ये कब है जब ये लुढ़कतेगा, इसको बोलते हैं विदाउट स्लिपिंग रूलिंग, और विदाउट रोलिंग स्लिपिंग करे तो कहने की बात सिंपल फॉर्मूला का a इक्वल टू g sin थीटा। तो डियर ये मैं तेरा यहां कंप्लीट करके एक बार मिटा देता हूं, अब अपन आगे बढ़े इसमें। अब तू जानता है कि आगे चले इसमें अपन चीजों को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो अपन इसको आगे चलेंगे ना तो इसमें एक a का फॉर्मूला आएगा, तो उस गुणा भाग करने के बाद वो मेरा निकल के आएगा g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाई r, इसमें मैं टाइम स्पेक्ट्रम को देता हूं मैं जी। ठीक है डियर, अब देख के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा ए उतना ही कम होगा, और ए जितना कम होगा त्वरण जितना कम होगा तो वो यहां से यहां तक उतना धीरे आएगा, टी उतना ही ज्यादा ज्यादा ये भी बनता है इसमें बोला है ना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा उतना ए कम होगा, और ए का मतलब त्वरण कम हो गया स्पीड धीरे होगी तो टी उतना ही ज्यादा हो गया। तो कई बार कहता है यहां से एक रिंग छोड़ी एक डिस्क छोड़ी एक खोखला गोला छोड़ा एक ठोस गोला छोड़ा तो बताओ पहले कौन आएगा, तो बड़ा कहता है सबसे पहले कौन आता है सबसे बात कौन आएगी रिंग, क्योंकि रिंग एक बार में पेज को लेते रहिए इसको मैं खाली कर दूं यहां से, तो मूल चीज है। देख रिंग की बात करें तो रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है वन, डिस्क का कितना है वन बाई टू पॉइंट फाइव हाँ एक बटा दो कैसे बोलते, और गोला कितना है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दो बट्टे पांच पॉइंट चार। तो सबसे पहले कौन आएगा ठोस गोला, फिर कौन आएगी डिस्क, फिर कौन आएगी रिंग। लेकिन एक बात पूछता है एक छोटी रिंग एक बड़ी रिंग एक और बड़ी रिंग छोटी, तो पहले कौन आएगा एक साथ तीनों साथ आएंगी, क्योंकि रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अलग अलग है नहीं होता है जो पहले थ्योरी में आया था। यह है इस क्लास का एक शानदार क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो ये था नत तल पे पिंड की लौटनी गति रोलिंग मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब क्वेश्चन आ जाइए भगवान 34, ये इस क्लास का जो आपने पढ़ा अभी इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन उसका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देख कोई वस्तु केवल चलती है तो उसमें होती है केवल रेखीय गतिज ऊर्जा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, केवल वस्तु घूमती है तो क्या होगी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन साइकिल टायर है चलता भी और घूमता भी है तो ट्रांसलेटरी रोटेटरी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसका कौन सा हिस्सा इस प्रश्न में कह रहा है घूर्णन है, तो घूर्णन तो क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और कुल कितना होता है ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं क्या हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा मॉडिफाई कर दे, जहां आई लिखा हुआ क्या कर दूं
अब तेरे सामने सामने ऊपर क्या है के स्क्वायर, नीचे कौन है आर स्क्वायर, और ये तेरा क्या है आर स्क्वायर, ये क्या बचा के स्क्वायर प्लस आर, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया पुत्र के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर? ये सिंपल सी बात हो गई। चल आगे भैया देखो सुखदेव, ये जो क्वेश्चन आ रहा है मेडिकल पे, एक पक्का पक्का क्वेश्चन। अगला साफ कहता है कि कोई सॉलिड स्फीयर है वो रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो आप देखो ध्यान सुनो बात को। सबसे पहले एक एनर्जी होती है इसमें हाफ एम वी स्क्वायर, एक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो गया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कन्वर्ट करें तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, तो ये तो मेरी एनर्जी बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है? पेज खाली जाना। अब यदि मेरे को, मैं इसको बता दूं, मेरे को काइनेटिक रेखीय गति ऊर्जा और कुल ऊर्जा रेशियो चाहिए, ध्यान दे क्लास, रेखीय गति ऊर्जा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और कुल ऊर्जा का रेशियो पूछे तो ये आ गया। बिल्कुल आ गया ना। अब मैं इससे काम करूंगा, मैं आगे जाऊंगा नहीं। क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता कौन है भैया ठोस गोला है, खाली कर दो वापस, ठोस गोले का केस कई बार और क्या होता है दो बटा पक्का अग्री है दो बटा पांच, ये दो बटा पांच, तो इतना कितना आ गया पांच बटा सात, तो कुल ऊर्जा कितनी है सात, रेखी कितनी है पांच, तो गुणन कितनी बची दो, तो इसका क्वेश्चन में आ जा, इसका आंसर रेडी है दो बटा सात, इसका आंसर दो बटा सात, चक्कर पड़ेंगे। देखो डियर ध्यान सुनो, एक है हाफ एम वी स्क्वायर, एक है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एक है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर गुणा भाग करो हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगला मुझसे चाहे गुणन पूछे चाहे रेखी पूछे, मैं तो याद रखूंगा वन ई ट्रांसलेटरी अपॉन ई टोटल, ये यार फिर इसको सोल्व किया तो कितना है पांच बटा सात, यानी कुल सात थी उसके पांच भाग कौन है ट्रांसलेटरी है, तो गुण कितनी बची दो, जोड़ क्या करना है सात बोल है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो आगे, थैंक यू। अगला क्वेश्चन भाई, फिर हुआ ये देख, एक गोले की गुणन व स्थानांतरण गति ऊर्जा का अनुपात क्या है, देख ध्यान देख, ई ट्रांसलेटरी और ई टोटल करूं वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कौन है भाई गोला ठोस है, ठोस का वो इतना कितना पांच बट्टा सात, यानी ठोस गोले में वो दुड़कता है तो पांच भाग तो होती है रेखीय गति ऊर्जा, दो भाग होती है गुणन, अगला क्या कह रहा है गुणन और स्थानांतरण, गुणन कितनी है दो और स्थानांतरण कितनी है पांच सात, ना 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 स्थानांतरण, स्थानांतरण पूछे भाई गुणन, हाँ तो दो बट्टा पांच बोला है ना, ये हो गया टोटल पूछता। अब क्या है कुल सात है, तो सात का पांच भाग तो है रेखीय और दो भाग है गुणन, टोटल सेवन है, इसका फाइव तो है ट्रांसलेटरी और टू है रोटेटरी, बोला है ना हो गया पूरा। आगे चल, फिर आगे, एक गोला थीटा नती वाले घूम रहा है त्वरण इक्वल टू जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कौन है गोला, गोला मतलब है दो बटा पांच, तो दो बटा पांच वही पांच, पांच बटा सात, पांच बटा सात जी साइन थीटा, जल्दीबाजी गलती नहीं हो जाए, देखा भाई कई बार क्या हम दोष में कई बार गलत कर देते, फिर बच्चे को देखो सर बोल तो कुछ और रहे थे टिक किसी और पे लगा दिया, बोला है ना। आगे चलो, एक सुनो भाई, ऐसे कई बार बोलने में कुछ और टिक और लग जाते तो कॉमन सेंस कर लिया करो, कई बार क्या बात नहीं आती पकड़ में वीडियो में, क्लास में क्या बच्चा बोल देता है, क्लास तो तुम देखोगे तो तुम कहीं और हम कहीं और हैं। आगे चलो, फिर आगे देख, एम मास आर इज का एक ठोस गोला, ए लंबाई एच ऊंचाई, क्यों बात है ए लंबाई और इसकी लंबाई कितनी है एल, ऊंचाई कितनी है एच, दिस इज थीटा, तो कोई खास बात नहीं है साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल करना है इसमें, बिल्कुल जो ए इक्वल टू जी साइन आएगा वो आ जा,
लुढ़क रहा है तो तली पे पहुंच रहे इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र बोलते बोलने का वेग बात एक ही है, कितना फर्क बोलिए क्या यस 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 मेरे पुत्र 1 + k² / r² रूट कर ले खास बात ठीक है बोल बेटू 2 g h क्या है क्या है फोर्स बोला तो वही 7/5 तो 5/7 तो 10 g h / 7 क्लियर। हमने आपको नत तल पे इन रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़ा दिया, बात नहीं घूम रही है। अगले पे आ जाए, धातु के सम्मांगी खोखला, खोखला गोला है तो खोखला गोला करते थे, वही चीज है, खोखला गोला कर दिया। क्या पूछा अगले ने, वेग पूछा क्या, तो 2 g h 1 + 2/3 तो ये 3 ऊपर जाएगा 6 / 5 प्रैक्टिस लेके आपके हमने आगे चलो। यार ये जो प्रश्न है वो पढ़ा दिया आपने, पढ़ा दिया पहले। यहाँ क्या है 2v, यहाँ क्या है √2v, यहाँ क्या है 0, बस तो ये 2v फिर आंसर हो गया, सपट लिया ना, थैंक यू। आगे चल, फिर आगे देख, पूरा प्रश्न का डिस्क गोला जिनकी त्रिज्याएं समान है, मास अलग अलग है, इनको छोड़ा, दोनों पिंड कोई फर्क नहीं पड़ता मास वास का इनमें कोई लग रहा नहीं है, लेना किससे है, लेना देना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का है, सबसे पहले ठोस गोला आता है, बस तो कहना है पहले कौन ठोस गोला पहुंचे, दूसरी बात ठोस गोला इनके त्रिमान मतलब भी नहीं है, ठोस गोला पहुंचे बोला है ना, और बाद में कौन आती है, बोला आती है सबसे रिंग सबसे बाद में आती है। चल आगे, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को जो मैंने पढ़ाया था ना अभी, एक बार ध्यान सुनो, तो फिजिक्स को भूल जाओ, एक ऐसा बड़ा सा पिंड है, वो पिंड ऐसे घूम रहा ना, तो इनका रेखीय वेग सबसे ज्यादा है, जैसे नीचे आएगा वैसे रेखीय वेग कम हो जाएगा, सर्वाधिक क्यू का है, फिर सी का है, उससे कम पी का है, क्यू का सर्वाधिक है, उससे कम सी का है, और सबसे कम पी का, मेरे हिसाब से कोई फिजिक्स नहीं आपको, हेलो हो गया सिंगल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके सापेक्ष देखोगे आप तो वो दूरी होना इसके सापेक्ष हो गया, क्योंकि इसके सापेक्ष नहीं है, हेलो ये इसके सापेक्ष, तो आप एक ऐसे यूं देखो चक्कर लगा दोगे, पहले आएगा ये, पहले आएगा फिर ये, ऐसे जिसमें मैंने बात शुरू नहीं की आपको। आगे चले, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, ए मास है, आर त्रिज्या की पतली वर्ताकार बलय है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, पहले चार की तब दो रहती, क्या फर्क पड़ता है, एम एम और जोड़ दिए तो नया कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो आई थिंक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पुत्र, सेकंड हो जाएगा, क्या करना है इसका, तो वही बात है, घटना से पहले घटना के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, तो पहले पूरा करें आज देख लेंगे, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा अब ओमेगा डैश दोबारा ले लो, क्यों सेम रहेगा, एम आर स्क्वायर 2m आर स्क्वायर कर चुके हैं, क्या कह रहा है, एक बेलन, अब इसने लिखा नहीं बेलन ठोस है खोखला है, तो इसको अपन ठोस ही मानेंगे, यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज रेडियस आर लेंथ एट इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू सर्कल, बोल है ना, इस अक्ष के प्रति है, इस अक्ष के प्रति बोल क्या कहेगा, इस अक्ष के प्रति क्या कहेंगे अपन, यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस फोर, यस, क्योंकि कलर चेंज कर ले, कलर चेंज कर ले, ये क्या बन गई, देख डिस्क बन गई। अब वो क्या कहता है, एम बेलन की त्रिज्या आर है, लंबाई एल है, केंद्र से गुजरने वाले वर्ताकार अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र से होकर जाने वाली लंबाई के लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर है, दोहरा पढ़ पड़ा, इसके केंद्र से होकर जाने वाले इसके वर्ताकार सतह के लंबवत अक्ष, वर्ताकार सतह के लंबवत, ये हो गई, ये कितना है, केवल और केवल mr² / 2, तो इसके प्रति तो mr² / 2 है, और इसके प्रति देखिए मैं छड़ है, रोड का क्या होगा mr² / 2, फिर वो डिस्क है वो क्या डायमीटर होगा उसका, वो क्या हो गया mr² / 4, पेज खाली करना भैया, लो जी बराबर कर दो, तो mr² / 12 + mr² / 4 = mr² / 2, उत्तर कर दूं,
एमएल स्क्वायर बाई 12 ये तेरा क्या आ गया एमएल स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट कर दे तो तू इसको ऐसा कर एल बाई आर करेगा तो ये क्या बनेगा 12/4 क्यों 3 तो आंसर आ गया √3/L=√3R फिर से माय फेवरेट क्वेश्चन आंसर निकाल ले L=√3R ये आपका पेपर हो गया और पूरे हो गए भी तो थैंक यू दोस्तों ये हमारा रोटेशनल मोशन का फर्स्ट पार्ट था तो सुखदेव ने मेरा साथ दिया आपने अच्छे क्वेश्चन कनेक्शन किया हमने मिलकर कराया अब हम 4 दिसंबर को फिर आपके पास सेकंड पार्ट के साथ आएंगे 2 SHM के हैं 2 ग्रेविटेशनल अगले 5वें वीडियो में हम दोनों पिता पुत्र फिर आपके साथ आएंगे सीएलसी टीम में प्रश्न मोट यही है किशोर है सुखदेव सोलंकी है ये इस तरह के वो बच्चे हैं जो सब सीएलसी में स्टूडेंट रहे या अप्रत्यक्ष स्टूडेंट जैसे मेरे लिए हम सब लोग मिलकर आपके काम कर रहे हैं ठीक है डियर थैंक यू जय सीएलसी।